Your teacher, your mentor, Jagjot Singh. So today we gonna discuss something very interesting, students. So I hope आप सभी का नीट का पेपर अच्छा गया हो। आज एक छोटा सा एनालिसिस हम कर रहे हैं इस नीट के एग्जामिनेशन पे कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी से आए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नीट 2020 पेपर रिव्यू हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे, हम पेपर में क्या क्या आया था रेफरेंस लेंगे और पेज नंबर भी बताएंगे एनसीईआरटी का, पर्टिकुलरली कौन से पेज नंबर से कौन से क्वेश्चन को पिक किया गया था। तो हर सब्जेक्ट्स के लिए हम ये करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले फिजिक्स से, और आज मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूँ फिजिक्स का। मेरे बाद बाकी टीचर्स आएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कुछ टिप्स भी देंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप नीट का पेपर देने जाएं तो आप क्या क्या चीजों को अपने ध्यान में रखें। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वेलकम यू ऑल गाइज, आई वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स, दीपा, अंजलि, श्रद्धा, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोप्रेप बच्चों। सो बहुत इंपॉर्टेंट अमेजिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है। सो आई वॉन्ट कि आप फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि एनालिसिस बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। किसी एग्जाम से पहले अगर आप एनालिसिस प्रॉपर करके जाते हैं तो मुझे लगता है आपके रिजल्ट में वो डिफरेंस रिफ्लेक्ट जरूर होता है। तो उस डिफरेंस को हम और ज्यादा अच्छे से आपके लिए लेके आए हैं, कैसे वो डिफरेंस क्रिएट किया जाए आपके रिजल्ट में और अच्छी परसेंटेज कैसी ली जाए, कैसी अच्छी परसेंटाइल अचीव की जाए। तो ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट हम अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरे और कुछ फ्रेंड्स और कुछ स्टूडेंट ज्वाइन करें और उसके बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करें। तो बिगनिंग में मैं आप लोगों को एक चीजें बता दूं कि हम क्या क्या चीजें शेयर करने वाले हैं। जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ उसका पेज नंबर, कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन किस पेज नंबर से पिक किया गया है, ये बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स एक बात बहुत आप ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ फिजिक्स ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से, कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वो सेंटेंस मिल जाएगा एनसीईआरटी से। बहुत कुछ चीजें सिमिलर मिलेंगी, मतलब पार्शली ऐसा होगा कि एनसीईआरटी से वो रिफ्लेक्ट करेगा क्वेश्चन। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलेंगे जिनमें सिर्फ आपको वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन है तो उसमें मासेस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, आपके वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, पर पेपर आपका एनसीईआरटी से ही होगा। 4 और 5 क्वेश्चंस को छोड़ के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आप बना सकते थे और यही करके जाने अगली बार अगर आप नीट का पेपर देने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन होता है सर एनसीईआरटी इनफ है, तो उसका आंसर है यस, एनसीईआरटी मोर देन इनफ भी है, बट आपको यह भी याद रखना है कि आप एक अच्छी परसेंटाइल की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाना है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करने लगे हम अपना सेशन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं हमारा स्टेप अप नीट बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों के सामने डेट भी है, क्लास स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। सो आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टीज है जो अब बच्चे अटेम्प्ट देने जा रहे हैं नीट का, जो नेक्स्ट कमिंग अटेम्प्ट देंगे उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इन सब टीचर्स की गाइडेंस में, हम सब टीचर्स की गाइडेंस में ये सब चीजें आप प्रिपेयर करें अपना। काफी एनालिसिस करके हम सारी चीजें बनाते हैं, हमारे कुछ हम जितने भी पेपर्स बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देते हैं वो एनालिसिस करने के बाद ही देते हैं। सो गो प्रेप आप लोगों के साथ है स्टूडेंट्स, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए हम लोग ऐसा कोई एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज इस कोर्स को ज्वाइन करें और प्लीज सेशन को लाइक भी करें। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स एनालिसिस से, डिस्कशन एंड एनालिसिस, आंसर की के साथ आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा बेटा इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है एसी का। एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स, व्हेन एल इज रिमूव्ड, इंडक्टर को रिमूव किया गया है तो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज π/3। तो अगर सी को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, पावर फैक्टर सर्किट का पूछा गया था स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों ने देखा। अब आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 252, ये आपको पेज नंबर 252 पे मिलेगा बच्चों, ये आपको पेज नंबर 252 पे मिलेगा 7 चैप्टर एसी ऑल्टरनेटिंग करंट का 12th क्लास का क्वेश्चन है बेटे। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको कहाँ नजर आएगा, मैं आप लोगों के लिए एक बार स्क्रीनशॉट भी डिस्प्ले कर देता हूँ इसकी। तो स्टूडेंट्स आपके लिए अगर मैं इसकी स्क्रीनशॉट दिखाऊं आपको बच्चों, सो दिस इज नॉट मूविंग, ओके लेट मी शो यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले ये चीज तो नोट कर ही लें कि इसका पेज नंबर क्या है, स्क्रीनशॉट मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जस्ट वो अभी डिस्प्ले होने वाली है, स्क्रीनशॉट अभी डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट इसकी डिस्प्ले करता हूँ। आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। आई एम गुड, आई एम फाइन बच्चों, फटाफट आप लोग ज्वाइन करें, सेशन को लाइक भी करें। जस्ट स्टार्ट करते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड सर डिस्प्ले करते हैं। यस, सो दिस इज अ स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं पेज नंबर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था किस पेज पे था, तो आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन आपको पावर फैक्टर आपको इस पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे स्टूडेंट, सो देखा जाए तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सो ये एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं था, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आप लोगों के लिए आऊं तो आप देख सकते हैं अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। आप देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एनसीईआरटी से आया, यंग्स मॉडुलस के बारे में आप लोग जानते होंगे, सॉलिड से चैप्टर आया ये, तो सॉलिड में ये चैप्टर आप पढ़ा होगा, 11 चैप्टर है एनसीईआरटी से, पेज नंबर 239, ठीक है, 11th का 9th चैप्टर है, 11th क्लास का 9th चैप्टर है, पेज नंबर 239। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी डिस्प्ले कर दूं, तो ये देखें आप यंग्स मॉडुलस के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है इस पेज पे, तो आपको दिख रहा होगा यंग्स मॉडुलस के बारे में एनसीईआरटी में ये सब कुछ दिया हुआ है, तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से कॉपीड बेट है, सिंपल ये फॉर्मुला यूज करना था यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो एग्जैक्ट एनसीईआरटी से रखा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी थी क्वेश्चन में, और आंसर आपके सामने था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखेंगे सोलेनोइड पे क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे क्वेश्चन है, सोलेनोइड आप सभी ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में करना ही क्या था, एक सोलेनोइड की लेंथ दे रखी थी, उसकी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो देखा जाए ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट है बच्चों, आप देख सकते हो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, डायरेक्टली सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का एक सेंटर आपको दे रखा है, एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है ये फॉर्मुला, तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बट ये फॉर्मुला एग्जैक्ट मिल जाएगा जो फॉर्मुला आपको अपने एग्जाम्स में यूज करना है। अभी तक के एनालिसिस से हम सिर्फ ये बात सीख पाए हैं कि एनसीईआरटी में जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके एक एक चीज को ध्यान से पढ़े तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, एक एक फॉर्मूला एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एनसीईआरटी क्या सफिशियंट होती है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं एनसीईआरटी अपने आप में सफिशियंट तब है अगर आप प्रॉपर मेथड से उसको रीड करें, ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपर मेथड से रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, अब ये रे ऑप्टिक से क्वेश्चन है, अरे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द सरफेस ऑफ द स्मॉल एंगल, ये प्रिज्म से आया था आपका क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं पेज नंबर 331, 9th चैप्टर है ये, 12th क्लास की बुक में आपको एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट के साथ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये देखें प्रिज्म के लिए ये फॉर्मुला डायरेक्टली एनसीईआरटी में प्रोवाइड किया गया है, छोटे एंगल्स के लिए हम इस फॉर्मुले को यूज करेंगे और डेल्टा बहुत छोटा लेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा लेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि इसे बिल्कुल डायरेक्ट था, नहीं बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, इसमें कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, जैसे कि एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा एज्यूम करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में भी प्रोवाइडेड था, तो साइन थीटा को थीटा लेते हैं वो अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करनी पड़ेंगी, तो पार्शली ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, कंप्लीटली नहीं था स्टूडेंट, सो इसका मतलब है सिर्फ एनसीईआरटी तो नहीं बट एनसीईआरटी जरूर चाहिए, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी सफिशियंट नहीं है बट एनसीईआरटी करनी जरूरी है, ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 पे आपको फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th में ये क्वेश्चन मिलेगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, एक रीजन में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है, आप देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन डायरेक्टली है, आप ये रिलेशन क्वेश्चन तो नहीं ये रिलेशन डायरेक्टली दिया हुआ है, आप इस रिलेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ई और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ये रिलेशन है स्टूडेंट्स, तो इस रिलेशन को आप देखेंगे तो आपके सामने आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 422, 12th चैप्टर और 12th क्लास की बुक में आपको ये मिल जाएगा, बोर्स मॉडल से क्वेश्चन था बेटा, आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं, लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स से ये क्वेश्चन आया था बोर्स मॉडल से, तो बोर्स मॉडल आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो ये एनसीईआरटी में तो है ही बेटा क्वेश्चन, तो इसमें तो आप देखो ध्यान से सारी कंडीशन दे रखी है, बोर्स मॉडल आपको पता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है, उसके बारे में सब कुछ एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको वही चीज करनी थी। क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन था? नहीं डायरेक्ट नहीं था, पार्शियल था, एनसीईआरटी से पार्शियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा फोकस आपको लगाना पड़ेगा, यस बट एनसीईआरटी नेसेसरी, बट सफिशियंट तो नहीं बट नेसेसरी जरूर है। ओके नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप ध्यान से देखें पेज नंबर 277, 8th चैप्टर, और अगर आप देखें 12th क्लास में 8th चैप्टर है, एवरेज फ्लक्स आपको दे रखा है, आप लोगों को एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस देनी है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मुला भी आपके सामने है, आपके सामने ये पावर का और एनर्जी डेंसिटी और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में, एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में डिफरेंस, ये फॉर्मूला है ये आपको प्रोवाइड किया गया, तो आप देखो ध्यान से इस फॉर्मूले के यूज से आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगेन यहाँ एनसीईआरटी अपना रोल खेल जाती है, एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर जाती है, आपको उस फॉर्मूले को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, तो क्या करें स्टूडेंट्स फिजिक्स के केस में एनसीईआरटी के एक एक फॉर्मूले को एक एक लाइन को ध्यान से देखें, वी शुड वॉच ईच एंड एवरी लाइन वेरी केयरफुली ऑफ एनसीईआरटी, एंड आफ्टर वॉचिंग दैट लाइन उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर करके जाए, दैट विल बी अ हेल्पफुल थिंग। ये बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जो आप नीट के लिए नेक्स्ट एग्जाम देने जाएंगे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ें, कोई फॉर्मुला अगर एनसीईआरटी में रिफ्लेक्टेड है, कोई एनसीईआरटी में फॉर्मुला दिया है, तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर करें।
ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट. तो आपको यहाँ डी ब्रोगलाई वेवलेंथ निकालनी थी इलेक्ट्रॉन की. पेज नंबर 400, पेज नंबर 400, 11 चैप्टर क्लास 12th में ये फॉर्मुला दे रखा है डी ब्रोगलाई वेवलेंथ का. डायरेक्ट फॉर्मुला आपके सामने आप देख सकते हो, एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं. तो एनसीईआरटी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है. प्लीज स्टूडेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो. अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ सर इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन में, ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से या बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, नॉट एक्जैक्टली न्यूटन्स लॉ का, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है. तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 198 चैप्टर और 8th चैप्टर और क्लास 11th. आप देखोगे ध्यान से तो ग्रेविटेशन में आपका फॉर्मूला फोर्स का डायरेक्टली मिल जाएगा. हाइट के साथ क्या रिलेशन है, एक चीज याद रखें, आपके पास दो फॉर्मूलाज होते हैं हाइट के. एक हाइट का फॉर्मूला होता है जब ऑब्जेक्ट छोटी सी हाइट पे होता है, एक ऑब्जेक्ट की लार्ज हाइट के लिए. तो जब लार्ज हाइट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये वाला करते हैं, दैट्स व्हाई हमने ये रिफ्लेक्ट किया क्वेश्चन में. ओके हाइट और डेप्थ के साथ फॉर्मूला आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर. कॉपर का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने पढ़ा है. सभी लोग जानते हैं कॉपर एक मेटल है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसकी रेजिस्टिविटी के साथ क्या फर्क पड़ेगा, वो वेरिएशन आपको पढ़ना था. पेज नंबर 103 थर्ड चैप्टर क्लास 12. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो वेरिएशन है वो एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. सो इसका आंसर सेकेंड है, आप देख सकते हैं सेकेंड इज द आंसर इसका. और उसके बाद हम देख सकते हैं एनसीईआरटी में ग्राफ एक्जैक्टली एक्सप्लेन किए गए हैं. तो आपको दिख रहा है ये रेजिस्टिविटी चार्ट यहाँ नजर आ रहा है. तो मेटल्स के लिए और हमारे एलॉयज के लिए और हमारे इंसुलेटर्स के लिए या फिर सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ये सेमीकंडक्टर्स के लिए. तो ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स. ओके बेटा, ओके. सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव डिवाइस. अगेन मॉडर्न फिजिक्स से एक क्वेश्चन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन है जो हमें बहुत अच्छा लगता है टॉपिक, क्योंकि सिंपल भी होता है बेटा. सिंपल सा टॉपिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. क्या ये भी एनसीईआरटी से है? बिल्कुल. पेज नंबर 392 11 चैप्टर 12 क्लास में ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे फिजिक्स में. और आपको यहाँ कंडीशन दे रखी है कि कब आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन था? थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, बस ये चेक करना था क्या आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है या नहीं. और ये स्टेटमेंट एक्जैक्टली यहाँ दे रखी है कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता, कोई करंट नहीं आता. उसी को यूज करना था क्वेश्चन में और आंसर आपके सामने था बेटा. आगे चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कैपेसिटर से क्वेश्चन है बेटे. तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर का ये क्वेश्चन है, कैपेसिटर से क्वेश्चन आया है. पेज नंबर 242, पेज नंबर 242 पे है, ये क्लास 12 से है. तो क्लास 12 से क्वेश्चन आया पेज नंबर 242 बेटे. वो पिछली स्लाइड में नहीं, हमने इसका पेज नंबर इस स्लाइड पे मेंशन किया. यू कैन सी दैट पेज नंबर 242, ये एनसीईआरटी से दिख रहा है आप लोगों को, पेज नंबर 242 है ये बेटा. तो पेज नंबर 242 से ये क्वेश्चन पिक किया गया है. डायरेक्टली आप देख सकते हैं ऐसा सा क्वेश्चन है, आइडेंटिकल क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू चेंज है. देखो कैपेसिटर यहाँ 15 माइक्रोफेरेड दिया है, आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया था वो 40 माइक्रोफेरेड था. आरएमएस वैल्यू इसमें भी कैलकुलेट करनी है, आरएमएस वैल्यू उसमें भी कैलकुलेट करनी थी. तो बेटे इंटेक्स एग्जाम्पल्स जो हमारे चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, हमें इसका इंपॉर्टेंस नजर आता है यहाँ. तो मैं आप लोगों को वैसे भी जो बच्चे मेरे अपने स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूँ लोगों को जरूर एडवाइस देता हूँ, अपने सेशंस में भी ये बात रिपीट करता हूँ, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस को करना भूलना मत बेटे, जरूर करने हैं. इन चैप्टर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइजेस जहां भी मिले आपको कर लेना उन एग्जाम्पल्स को. ओके बेटा, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 13, एज्यूम दैट द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. तो बेटे ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख सकते हैं. आपको सारा फॉर्मूला आपके सामने 1/2 लैम्डा डी बाय डी, ये आपका टेलीस्कोप का क्वेश्चन है. आपको ये फिगर दे रखी है, इसमें आपको पूरा फॉर्मूला दे रखा है एनसीईआरटी में. तो आप लोगों को डायरेक्टली पावर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है आप लगा सकते थे, रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला आप लगा सकते थे. डायरेक्ट ये फॉर्मूला किससे है, एनसीईआरटी से. फॉर्मूला आपके सामने, जस्ट सब्सिट्यूशन आपका काम करना था. तो सब्सिट्यूशन करना आपका काम, तो इसलिए मैंने कहा आपके एनसीईआरटी में कोई भी फॉर्मूला अगर दिख रहा है आप उसको प्रैक्टिस जरूर करें, उससे 2-3 क्वेश्चंस करके जरूर जाएं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों. ओके स्टूडेंट्स चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर.
it hits the ground after some time, its velocity is 80 meter per second. Find the height of the tower. तो बेटे ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 3.4 है. एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से अगर मैं बोलूं तो ये नहीं था, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से नहीं था. दिस क्वेश्चन वॉज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, बट या काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज दिस काइंड ऑफ सिमिलैरिटी थी ऐसे क्वेश्चन में. सो आई विल से दैट 30-40% आपको ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को करने में हेल्प कर सकता था. यस, बट एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो क्या ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी से था? नहीं. बट स्टूडेंट जब आप काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी, पावर दोनों चीजें पढ़ के जाते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते हैं. तो मुझे नहीं लगता वो क्वेश्चन मुश्किल था, बट अगर आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं एग्जाम में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बच्चों डिस्कस करें, सो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 15. तो अब ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था. दिस क्वेश्चन वॉज नॉट स्ट्रेट अवे फ्रॉम दी एनसीईआरटी. यहाँ आपको आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना था. हो सकता है आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में किए हो, तो दिस क्वेश्चन विल बी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम केमिस्ट्री पार्ट ऑल्सो. तो केमिस्ट्री के पार्ट में भी आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं. आइडियल गैस इक्वेशन आप वहां भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो. डेंसिटी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं दिया हुआ बेटा, बट स्टिल ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं था, तो इसको हमने कोई स्क्रीनशॉट में डिस्प्ले नहीं किया. जो है एनसीईआरटी से मिलता जुलता उसी को हमने स्क्रीनशॉट के साथ आप लोगों को रिफ्लेक्ट किया है. तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये सिंपल एक एग्जांपल था. जब यूरेनियम को हम बम्बार्ड करेंगे एक न्यूट्रॉन से तो क्या रिएक्शन होगी? एनसीईआरटी में बेटे ये डायरेक्टली रिएक्शन दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं. इसका आंसर जो आप देखोगे सबसे जो टॉप पे ये रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन थी, देखो पेज नंबर 452 आपको एनसीईआरटी से रिफ्लेक्ट हो रहा है. पेज नंबर 452 से ये क्वेश्चन पिक किया गया था. तो दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम पेज नंबर 452 स्टूडेंट्स. सो गाइस अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो ये रिएक्शन अगर आपने देखी होगी तो आपको ये प्रोडक्ट नजर आ जाएंगे. ऑल्दो आप वैसे भी ये कर सकते थे एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर की हेल्प से आप उनको बैलेंस करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे. इन केस अगर नहीं समझ में आता तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड रिएक्शंस में से एक है जो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट दिखा रखी है. सो ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी से ही था. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 17, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ अ डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू. तो स्टूडेंट सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर्स का एक क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, आई शुड से इट वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. सेमीकंडक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होता है बेटे, पेज नंबर अगर आप ध्यान से देखें 481, पेज नंबर 481 एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन था. एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाया बेटे, एनसीईआरटी का पेज नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है आप लोगों को. सो यू कैन सी दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी डायरेक्टली, बिकॉज इन एनसीईआरटी इट इज एक्सप्लेन वेरी क्लियरली कि हम लोगों के जो ग्राफ होते हैं किस तरीके से बनते हैं. ओके, रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस में कैसा आपकी डिप्लीशन रीजन होती है, डिप्लीशन रीजन के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है बेटे कि फॉरवर्ड बाइस में ज्यादा होता है या रिवर्स बाइस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम. ओके, एसएचएम का एक क्वेश्चन. एसएचएम एक ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट जनरली एग्जाम से पहले रिवाइज करके जरूर जाते हैं, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है फॉर नीट स्टूडेंट्स. उनको लगता है कि सर इसमें थोड़े से साइनोसोडल ग्राफ है, कोसाइन के ग्राफ है, सर थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये चैप्टर, बट स्टिल हम इसको लास्ट में रिवाइज जरूर करके जाते हैं. बट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आया स्टूडेंट इस साल. तो आप देखेंगे क्या एनसीईआरटी में क्वेश्चन डायरेक्टली है, तो आई वुड से कि एनसीईआरटी ने एक रिलेशन दिया है एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में. सो एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में रिलेशन इट इज प्रोवाइडेड इन द एनसीईआरटी इटसेल्फ. नाउ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में कि अगर उन दोनों के बीच में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, अगर उनके बीच में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है तो उनका बीच का फेस डिफरेंस कितना होगा पाई. ओके, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश एज वेल, सो सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स वांट दैट आई शुड से इन इंग्लिश ऑल्सो. सो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज द ओनली हेल्प दैट यू गेट फ्रॉम द एनसीईआरटी इज दैट यू हैव प्रोवाइडेड द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड पोजीशन. So when you are provided with that relation, you should know that whenever there is a negative sign between two vector quantity, then they are actually opposite direction. They are in opposite direction. So this is the thing that you should understand. कि इस केस में एक negative है, that means इनके बीच में जो phase difference था वो 180 degree का था, और ये NCERT से आपको थोड़ी सी help मिलेगी, partial help from the NCERT you will be getting. Okay students? Okay. So students, next question पे ध्यान देते हैं बिल्कुल. Okay, I am discussing next question. So let us move to next question students. An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetizing field. So हमें यहाँ एक magnetizing field दे रखी है और हमें susceptibility दे रखी है. So ये relation NCERT में है. क्या relation होता है? Magnetizing field, susceptibility, relative permeability, इन सभी के बीच का जो relation है that is given in the NCERT. So this relation you can get from the NCERT. What is the relation between susceptibility, permeability
ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये सारे रिलेशंस आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं. दीज ऑल रिलेशंस आर प्रोवाइडेड इन दी एनसीईआरटी स्टूडेंट. सो आप लोग देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन वॉज एक्चुअली फ्रॉम दी एनसीईआरटी. यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दी न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस रिलेशन. तो अगर आपने इस रिलेशन से रिलेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए होंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें स्टूडेंट्स, अ क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड. बेटा दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी. तो एनसीईआरटी में मैं जस्ट आपको बता देता हूँ ये कौन से पेज पे दिया हुआ है. यू कैन सी दैट एनसीईआरटी में पेज नंबर 280 पे ये रिलेशन गिवन है. तो पेज नंबर 280 पे ये रिलेशन गिवन है. सो बेटे बिल्कुल घबराए ना, आफ्टर दिस सेशन यू विल गेट द पीडीएफ फाइल. सो उस पीडीएफ फाइल में आप लोगों को ये सारे अटेस्टेड मिलेंगे. सो यू विल गेट द पेज नंबर एक्जैक्टली किस पेज नंबर पे ये सब चीजें प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन. ओके दिस क्वेश्चन, सो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21. सो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन यू हैव प्रोवाइडेड विद टू मासेस. सपोज वन मास इज m1 एंड m2. दीज आर प्रोवाइडेड एज 4 kg एंड 6 kg. सो यू हैव टू कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन. तो आप लोगों को इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था. फ्री बॉडी डायग्राम का टिपिकल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दी फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है. आइडेंटिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखा है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 111. पेज नंबर 111 अगर आप एनसीईआरटी का देखेंगे तो इस पेज पे ये क्वेश्चन प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स. इस पेज पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा. आपको दिख रहा है एक्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन है, बस 4 kg. वहां जो मासेस थे 4 kg और 6 kg थे, यहाँ 8 kg और 12 kg है. सो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, जस्ट वैल्यू चेंज की गई है. सो दिस इज आइडेंटिकल क्वेश्चन फ्रॉम दी एनसीईआरटी. सो इसका फॉर्मूला आपको अगर पता था, आप लोग जानते थे डायरेक्ट रिलेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स जस्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, द मीन फ्री पाथ. ओके सो स्टूडेंट दिस वॉज अ वेरी डायरेक्ट फॉर्मूला. तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू लुक दैट पेज नंबर. उस पेज नंबर पे आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा. यू विल गेट द फॉर्मूला ऑन दैट पेज. सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको बस फॉर्मूला याद रखना था. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर लिया था. तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 331, चैप्टर नंबर 13 और 11 क्लास में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. तो अगर आप देखें ध्यान से, तो आप देख रहे हैं यहाँ इसका फॉर्मूला डायरेक्टली दे रखा है. तो आप देख सकते हैं, आप इस पेज पे जाएंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा. कौन से पेज पे बेटा ये क्वेश्चन, ये पेज आप देख सकते हैं. अगर मैं दोबारा आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर देता हूँ, तो ये था बेटे पेज नंबर 331, चैप्टर 13 और क्लास 11 का क्वेश्चन है बेटा. ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है. तो अभी तक के स्टूडेंट एनालिसिस में हम लोगों ने क्या चीज नोटिस करी, अभी तक के एनालिसिस में व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. कुछ क्वेश्चन आइडेंटिकल है, कई जगह हमें इन्फॉर्मेशन उनके फॉर्मुले से मिल रही है. वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फॉर्मुला वॉट एवर प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी. सो वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है. Whatever formula is provided in NCERT, we have to practice them. Okay? So students, चलो, let's just move to another question. Question number 23 on page number 57. So ये page number 57 पे आप लोगों को दे रखा है, class 12th का question है. Class 12th में आपको ये मिल जाएगा question. So आप देख सकते हैं इसका, इस question को अगर आप discuss करेंगे तो ये आपको chapter number 2 में मिलेगा. ये NCERT का 12th class का question है. So इस question को भी आप देख सकते हैं, ये formula based question था. आपको potential का formula दे रखा है electric dipole की वजह से. You just have to use that formula. उस formula की help से आप इस question को easily solve कर सकते थे बेटा. तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था इस question को करने में, बहुत simple question था. Okay? समझ में आ गया अच्छी तरीके से students? So let's just move to another question. So question number 24. Dimensions of stress. हमें stress की dimension निकालनी है बेटे. तो students याद करो, आप लोगों को जब ये डायमेंशन वाला चैप्टर कराया जाता है, व्हेनेवर वी डू अ चैप्टर फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन. तो जब भी हम यूनिट एंड डायमेंशन से कोई चैप्टर करते हैं बेटा, तो हम लोगों को बताया जाता है अपेंडिक्स में पीछे A9 अपेंडिक्स में सारी डायमेंशन प्रोवाइडेड है बेटा. सो उस अपेंडिक्स में आपको ये सारी डायमेंशन मिल जाती है ऑलरेडी, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. अगर आप अपेंडिक्स में देखेंगे, इसकी डायमेंशन आपको मिल जाएगी बेटे. तो इसका जो आप आंसर है आपको मिल सकता है. अब अगर मैं इसको प्रीवियस स्लाइड को एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, तो पेज नंबर 214 अपेंडिक्स में इसका आंसर था बेटे. तो अपेंडिक्स में आपको मिल जाएगा इसका आंसर. हमने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, जस्ट बिकॉज अपेंडिक्स A9 में अगर आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सारी डायमेंशन, सिर्फ ये क्या, जितनी भी डायमेंशन है सारी फिजिकल क्वांटिटी वहां दे रखी है. ओके स्टूडेंट्स, सारे सेशंस किए जाएंगे स्टूडेंट्स आफ्टर फिजिक्स, बाकी सेशंस भी होंगे. सो यू जस्ट ज्वाइन दिस चैनल, अभी आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस चैनल को. प्लीज हिट दी लाइक बटन स्टूडेंट्स. तो आप लोगों का प्रेजेंस हमें समझ में है कि आप लोग समझ रहे हैं इन बातों को. बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है स्टूडेंट्स. ये इतना इजी नहीं है कि अगर आप सोचें कि सर ये एनालिसिस बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं. बहुत ध्यान से हमने एक एक चैप्टर को एनालाइज किया है, किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन बन सकते थे और कैसा क्वेश्चन आया था.
सो प्लीज इस एनालिसिस को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, ओके? सो स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए, तो यहां आपको एनर्जी जूल में एक्सप्रेस की गई है, सो एनर्जी वॉज एक्सप्रेस इन जूल इन दिस केस स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो बस आपको एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था बेटा, सो दिस रिलेशन इज प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने रिलेशन दी है, देखो सबसे ऊपर आप देख सकते हो पेज नंबर 387 पे, पेज नंबर 387 पे क्लास 12 में, ये क्लास 12 की बुक में आपको मॉडर्न फिजिक्स में मिल जाएगा बेटा, सो यू कैन सी दैट मॉडर्न फिजिक्स से आया हुआ ये क्वेश्चन सिंपल है, जहां आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का रिलेशन प्रोवाइडेड है, सो जस्ट इस रिलेशन को यूज करके एनर्जी कन्वर्ट करनी थी, ओके बेटा समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ओके यस। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया अभी तक इसकी इंपॉर्टेंस, एनसीईआरटी एक जो बुक है बहुत बढ़िया बुक है जिसकी वजह से आप लोग अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं, बट आपको उसको पढ़ना कैसे है उन स्ट्रेटेजीज पे काम करेंगे हम, ओके। तो स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ना गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ हमारा बीट प्रोड्यूस हो रही है, तो बीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये वेव्स का क्वेश्चन था कि आपको स्ट्रिंग वेव्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था, तो चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 11 अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 381, पेज नंबर 381 पे यू विल फाइंड दिस फॉर्मूला, ऐसा सा एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, इस पे एक एग्जांपल है 15.6, यू कैन लुक एट दिस एग्जांपल विल हेल्प यू, एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया दिस इज नॉट पॉसिबल बेटा, यहाँ फिजिक्स में कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी से नहीं आता, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, इन वन और टू केसेस ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाए, बट ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी वहां से, बट स्टिल आप देख सकते हैं ऐसा सा आइडेंटिकल क्वेश्चन यू विल फाइंड इन एनसीईआरटी बेटा, ओके ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कलर कोड का क्वेश्चन है ये बेटे, रेजिस्टेंस के केस में कलर कोड वाला ये क्वेश्चन आता है, पेज नंबर 103 चैप्टर 3 क्लास 12, तो आप देख सकते हैं इसके लिए भी हम लोगों ने ये ऐड किया है, पेज नंबर 103 आपको पूरा ये चार्ट दिया, आप इस चार्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, सो लेट्स जस्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करें, ब्रूस्टर एंगल पे क्वेश्चन था बेटे, पोलराइजेशन का क्वेश्चन था, आप लोग इसको रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, वेव ऑप्टिक्स में देखते हो, रे ऑप्टिक्स में तो नहीं वेव ऑप्टिक्स में आप इस क्वेश्चन को देखोगे, तो पेज नंबर 381 चैप्टर 10 क्लास 12 अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों इस पे ब्रूस्टर एंगल पे एक ऐसा सा क्वेश्चन दिया भी हुआ है, यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज द कंसेप्ट टू डू दिस प्रॉब्लम, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है बट हाँ मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें कैपेसिटेंस पे था, चैप्टर 2 क्लास 12 पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 चैप्टर 2 क्लास 12 पे ये क्वेश्चन ऐसा सा एक कैपेसिटर का क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को ये रिलेशन दे रखा है K is equal to C by C naught, इस रिलेशन को आपको यूज करना था, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते थे, ओके। नेक्स्ट इज पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच इज ऑन पेज नंबर 157 एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लास 12, टॉर्क निकालना था, आप लोगों को टॉर्क का फॉर्मूला दिया है, एक आइडेंटिकल एग्जांपल है जो हमने यहां पिक किया है जो एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, यहां आप लोगों को एक टॉर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज इन द एग्जामिनेशन, तो वहां भी टॉर्क निकालना था यहां भी निकालना था, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आपको कैसे कैलकुलेट करना है, यू विल गेट दैट आइडिया फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ओके। सो आइडिया आपको इस क्वेश्चन से मिल जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें बेटा, सो ये पेज नंबर 122 चैप्टर 3 क्लास 12 में आपको मिल जाएगा, और इसको अगर आप ध्यान से देखें इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है, ऐसा सा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज पे, जो ये रिलेटेड है ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसकी एप्लीकेशन पे आप लोगों ने देखा, ये सब एप्लीकेशन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं अगर आपने ये थ्योरी यहां से कंप्लीट की है, ओके। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 32 ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आप लोगों को इसमें बताना था फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस के केस में कौन ज्यादा डोपिंग होती है, किसकी डोपिंग कम होती है, अगेन ये पेज नंबर 490 चैप्टर नंबर 14 और 12th क्लास का क्वेश्चन है बेटे, आप देख सकते हो, तो इसके बारे में अगर आपको देखना है तो यहाँ सब कुछ दे रखा है, डोपिंग लेवल्स प्रोवाइडेड है इस पेज पे, तो आप इसको चेक करेंगे ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा बेटा, ओके स्टूडेंट। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम दिस पेज, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 275 चैप्टर 8 क्लास 12, अगेन बेटा यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों को पता है दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, ये दे रखा है यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप लोगों को दे रखा है और दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल है, इस पेज पे दे हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, सो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा तो ये क्वेश्चन आप जरूर बना सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 100 चैप्टर 3 और 12th क्लास का ये क्वेश्चन है,
अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सो अगर आपने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान से पढ़ा होगा तो ये रिलेशन की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते थे बेटा। ओके समझ में आ गया। देखो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि सर नेट नेक्स्ट जो नीट का पेपर होगा वो इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, तो आई विल सजेस्ट बेटा इन बातों में अभी ना पढ़े, अभी आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करें। अभी ये जो सेशन है दिस इज ऑल अबाउट कि आपको एनसीईआरटी कितने डिटेल में पढ़नी है। सो क्वेश्चन पेपर इजी इसलिए लगा जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से थोरली एनसीईआरटी को कंप्लीट किया बेटा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 39 चैप्टर 3 क्लास 12। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज ऑफ 3.2 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। और यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन भी आप लोगों को दिख जाएगा। स्फेरिकल कंडक्टर वाले केसेस एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मुला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है या नहीं होती, इसके बारे में सब कुछ यहाँ गिवन है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 taking in account of significant figure से question है, page number 28 chapter 12 class 11 significant figures is brief manner it is explained in the NCERT, so अच्छी तरीके से उसको explain भी किया गया brief में, but अच्छे से explain किया गया NCERT में। तो अगर आप ये सारे rules पढ़ के जाएंगे significant figure जो आप chemistry में भी पढ़ते हैं, so it will be very helpful for you guys, okay? So significant figures के question के बाद अगर हम बात करें, हमारा एक वेव ऑप्टिक से क्वेश्चन है, पेज नंबर 364 चैप्टर 10 क्लास 12। तो क्वेश्चन नंबर 37 यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC का क्वेश्चन है बेटे, सिंपल सा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स वगैरह क्वेश्चन, कैसे आप उनको चेंज करेंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन मैक्सिमा मिनिमा का आपको यहां मिल जाएगा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मुला आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, डी को बढ़ाएंगे स्मॉल डी को बढ़ाएंगे क्या होगा, आप यहां से कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 38 अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज नॉट एक्जैक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, तो हम लोगों ने इसको भी डिस्प्ले नहीं किया, इजी क्वेश्चन था बट एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं था बेटा। अगेन द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ये आपको पता है एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन जो होता है उसी को यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर से है, तो आप कह सकते हैं सर पार्शियली एनसीईआरटी और पार्शियली एनसीईआरटी से नहीं भी था। ओके सो स्टूडेंट्स कैपिलरी ट्यूब का अगर आप क्वेश्चन देखें, कैपिलरी का ये फॉर्मुला आप लोगों ने पढ़ा है, SN फॉर्मुला जिसको आप बोलते भी हैं, SN फॉर्मुला से ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 268 चैप्टर नंबर 11। ओके सो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से पिक किया गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नाउ स्टूडेंट्स स्क्रू गेज आपको पता है एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप कह सकते हैं सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, बट आप लोगों को ये प्रैक्टिकल्स में पढ़ाया जाता है तो एनसीईआरटी में तो नहीं मिला होगा आपको, बट यस आप लोग स्क्रू गेज के बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के बारे में अलग से पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन वहीं से था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, अगेन ये क्वेश्चन जो है लॉजिक गेट से आया था, ट्रुथ टेबल से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन भी अगर हम देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, ये पेज नंबर 330 चैप्टर 13 11th पे इसका फॉर्मुला दे रखा है, काइनेटिक एवरेज थर्मल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके बारे में आपको ये फॉर्मुला पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में। तो ये फॉर्मुला आप लोगों को प्रोवाइडेड है, ये फॉर्मुला इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, फॉर मोनो एटमिक के लिए फॉर्मुला दिया हुआ है, डायटमिक और मोनो पॉलीएटमिक के लिए एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, बट आपको ये फॉर्मुला आराम से पता होगा, आप लोग ये आराम से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत आइडिया लग जाती है इसमें, थोड़ा सा इसमें से क्योस था कि बच्चों को था कि सर सिर्फ सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आंसर होना चाहिए, तो भाई अभी जो आंसर हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से तो इसका आंसर जो था वो आंसर ऑप्शन 3 था कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं था। बट ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, पेज नंबर 147 चैप्टर 7 क्लास 11 का क्वेश्चन है, टू पार्टिकल ऑफ मासेस 5 केजी एंड 10 केजी आर अटैच टू एंड ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है बेटे, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मुला आपको स्ट्रेट अवे, सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मुला है इट इज स्ट्रेट अवे प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी बेटे, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मुला, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने, इस तरीके के फॉर्मुले, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे एनसीईआरटी में है स्टूडेंट्स। ओके तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट, दिस सेशन वाज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ पेपर, जो पेपर से आपने क्वेश्चंस देखे एनसीईआरटी से मिलते जुलते थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। ओके सो आई हैव ट्राइड कि मैं सेशन को ज्यादा ना इलोंगेट करूं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूं, सो हम जस्ट अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, दूसरे टीचर आएंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा फीडबैक चाहता हूं, क्या आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हुई है, क्या आप लोगों को ये सेशन समझ में आया, ये सेशन क्यों कंडक्ट किया गया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन। बिफोर आई स्टार्ट सेशन मैंने ऐसा कुछ समझाया नहीं, बट मैंने आप लोगों से सीधा ये डिस्कशन करनी स्टार्ट कर दी कि एनसीईआरटी से है या नहीं है, आप लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला इससे कि सर ऐसा क्यों किया गया। ये पूरा सेशन बेटा सिर्फ इसलिए था जस्ट टू
हेल्प यू इन दैट मैनर कि अगर आप लोग नेक्स्ट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस बात को अपने ध्यान में जरूर रखें कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पिक करना है। एट सम टाइम सिर्फ एनसीईआरटी आपको लगता है कि सर सफिशियंट नहीं होगी, हमें और भी कुछ पढ़ना है, तो आई विल से दैट टेक योर एनसीईआरटी विद यू। अपनी एनसीईआरटी को क्या करें, कीप योर एनसीईआरटी विद यू, रीड ईच एंड एवरी फॉर्मूला, सारे फॉर्मुलेस पढ़ो उससे रिलेटेड। अगर क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी में, देन फाइंड सम इजी क्वेश्चन फ्रॉम अदर बुक्स। बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं बेटे, तो आप लोग वो चीज जरूर करें, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा, जितनी भी आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस सेशन से, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के लिए डिस्कस करने वाले हैं, सो नेक्स्ट टीचर इज कमिंग इन अ वाइल, सो वो स्टूडेंट्स आप लोगों से बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपसे पूरा सेशन डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का सेशन बिल्कुल आप लोग अच्छे से एक एक चीज सुन लेना, क्योंकि यस बायो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है इसमें, तो बायो का सेशन जस्ट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इन अ वाइल, सो आई एम जस्ट अभी आपके सामने टीचर आएंगे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना बेटे। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर स्टूडेंट्स, अभी नए टीचर आएंगे, वो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स। ओके सो स्टूडेंट, जब तक बायोलॉजी के टीचर आप लोगों के लिए अपना सेशन लेके आते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक दो चीजें और बता देता हूँ। सो बिफोर आई जस्ट एंड माय सेशन, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि बायोलॉजी के टीचर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो जस्ट थोड़ी सी स्लाइड्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आपके साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। जस्ट स्लाइड्स को हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हैं, तब तक आप लोगों को मैं दो तीन चीजें बता दूं स्टेप अप नीट के बारे में, कि स्टेप अप नीट हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, आप लोग उसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारे साथ बीना मैम आ चुकी हैं, और बीना मैम हमारे साथ और संजय सर हमारे साथ हैं, तो वो हमारे साथ ये नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को आके। बायोलॉजी का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सो संजय सर को मैं बुलाता हूँ। ओके संजय सर आगे। सर हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू जगजोत सर, और जगजोत सर ने बहुत बढ़िया सेशन लिया, मैं भी नीचे देख रहा था, और सारी की सारी फिजिक्स मुझे दोबारा से समझ में आ गई, जो आज तक नहीं आई थी वो जगजोत सर ने 15 मिनट में इतनी अच्छी समझा दी कि अब मुझे टोटल फिजिक्स समझ में आ गई। यस एग्जैक्टली। तो बच्चों सबसे पहले इसको शेयर कर दो, तुम लोगों ने शेयर नहीं किया कि अब तक 46 वॉचिंग, फटाफट से इसको शेयर कर दो बायोलॉजी का, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी नाइंसाफी है, मतलब शेयर ही नहीं किया है, कमाल हो गया मुझे। तो बच्चों आपको बताएंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन कौन से पेज नंबर से आया था एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी का एग्जैक्ट पेज हम लोग देखेंगे, एंड कौन से चैप्टर से था, किस पेज से था। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंटायर पेपर वाज एनसीईआरटी बेस्ड, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। व्हाट आई मीन टू से इज वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से लिया हुआ था। इसीलिए एनसीईआरटी को एट अटमोस्ट प्रायोरिटी रखो आप सारे बच्चे। ये एक ऐसी बुक है जिसको कम से कम 4 से 5 बार जरूर पढ़ना है, उसके बाद आप किसी और बुक के ऊपर कह सकते हैं कि यही बाइबल है, यही कुरान है, यही गीता है, यही सब कुछ है जो बच्चे क्लियर करना चाहते हैं नीट, उनके लिए आप जैसे मैम ने कहा है 5 बार 10 बार, जब आप थक जाओ ना एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते, तो एक बार फिर एनसीईआरटी पढ़ लेना। यस, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है, फर्स्ट पैराग्राफ से ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिकेटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, एंड एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी होती है, 2.2 मीटर्स होती है, आपको पता है। डिटेल में क्वेश्चन का आंसर बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है बच्चे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से आया था ये देखने के लिए आए हैं। तो इसका आंसर आपके सामने है, एंड दिस पैराग्राफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से ये क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मेंशन है यहाँ पे, देखिए। चलिए कोई नहीं, सेकंड क्वेश्चन आ गया मैम, बायलेटरल सिमेट्री का। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के पेज नंबर आपको लिखा हुआ है, और उसमें अगर आप उसमें अंदर जाओगे ना एनिमल किंगडम के अंदर मैम, तो सेम लाइन लिख रखी है।
एनसीईआरटी ने, तो इसका मतलब अगर आपको लाइनें याद है, आज हमारा उद्देश्य यही मैम यहाँ आने का कि आपको अगर लाइनें याद है तो आप कितने अच्छे से बायोलॉजी का सेशन आप कर सकते हो। ऑल राइट, तो देख लीजिए ये इस पेज नंबर से एक क्वेश्चन था, आप सारे बच्चे पेज नंबर भी देख सकते हो, फाइलम से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फिर से मैम ये क्वेश्चन जो है एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आ रहा है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं और आज हम इसीलिए आए कि आपको ये बता दें कि पेज नंबर कौन सा है। आप पेज नंबर देख सकते हो इसका और इसके अंदर कौन कौन से पेज पर कौन सी लाइनें एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, यही हम आज बताने के लिए आए हैं। फटाफट आप लाइक्स जो है कम से कम 100 से ऊपर कर दो। ये स्मार्ट बोर्ड सर मुझे लगता है हैंग हो गया है। हमारे स्मार्ट बोर्ड बहुत ज्यादा स्मार्ट रह नहीं गया है, हम ये कह सकते हैं। हम इस स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा स्मार्ट हमारे बच्चे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ी हुई है। ये देखिए, यस एग्जैक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, एग्जैक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी आपको सामने नजर आ रही है अपने बोर्ड के ऊपर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 134 पे 11 नंबर पेज पे ये दिया हुआ है। देखिए आप लोग exactly, एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो पेज नंबर 134 पे सेम लाइनें लिख रखी है इन्होंने। सारे बच्चे अपना स्क्रीनशॉट आप लोग लेते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट से आपको समझ में आ जाएगा कि exactly, मैं बहुत खुश नहीं हूं आपसे। 95 लाइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट, सर ये कौन से चैप्टर से बच्चों को बताइए। ये देखिए आपको पता है ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन है, 11th की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 286 पे सेम लाइन लिख रखी है इन्होंने, सर तो लाइनों से लाइन उठाई गई है एनसीईआरटी से। बिल्कुल ये एनसीईआरटी का पेज नंबर है जहां से इस क्वेश्चन को पिक किया गया है, ये डायग्राम दिया हुआ है और उसके साथ ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और सेम लाइन उठा करके और नीट वालों ने डाली है। सर ये सेम क्वेश्चन आपने यूट्यूब के सेशन में बच्चों को बताया भी था, ये सेम क्वेश्चन ये ग्राफ के साथ में, कि इस तरह का ग्राफ इनको करना बहुत जरूरी है और ये आ सकता है, ये हमने अपने उसमें बताया भी था। डेफिनेटली नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जूलॉजी है सर, कॉलम मैच करना है, क्वेश्चन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन का क्वेश्चन है और इसमें मैम इन्होंने जरूर आगे लिख रखा होगा कि पेज एनसीईआरटी 311 की एनसीईआरटी पेज नंबर 310 और 311 सेम पेज पे सेम लाइनें लिख रखे हैं इन लोगों ने। अब देखिए ये पेज नंबर भी आपको दिख जाएगा, एग्जैक्ट लाइंस भी इसमें मेंशन है, आप लोग पेज नंबर आप लोग देख लीजिए हर चैप्टर के कौन से एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज उसी एरिया से मोर और लेस नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, चाहे वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ना आए, एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आए, बट वो वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिपीट होगा, तो आप उसको मार्क करते हुए जरूर चलिए कि कौन सा पेज नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पेज नंबर 83 12th में, सी जेनेटिक्स से पहले ऐसा माना जाता था कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, हमारे टाइम में आते थे मैम बहुत टफ क्वेश्चंस आते थे, बिल्कुल और ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते थे सर कि बच्चों का दिमाग हिल जाता था बिल्कुल, लेकिन अभी इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनफैक्ट जेनेटिक्स से इतने सिंपल एंड इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आए जितना अब आने लग रहे हैं। साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछ लिया, 14 नाम पूछते हैं मैम, लेकिन शायद स्पेलिंग तो नहीं पूछते ना, नहीं स्पेलिंग तो नहीं, लोग इसी बात पे ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि स्पेलिंग ही गलत लिख दिया बताओ। बिल्कुल, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाला बच्चे एग्जैक्टली आपका मॉलिकुलर बेसिस वाले चैप्टर में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, ये देखिए आप एग्जैक्ट लाइन आपको मेंशन है प्लस अलोंग विद किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, दो लाइक्स और रह गए, 100 तो पूरा करो उसे, वो भी इस पे दिया है, यस बिल्कुल करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन एनाटॉमी का क्वेश्चन है, मतलब 11th का आपका क्वेश्चन है, 96 नंबर पेज से लिया हुआ है, सेकेंडरी ग्रोथ, इतनी बार तुम लोग को कहा सेकेंडरी ग्रोथ से हर साल एक एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप 2015 से लेकर के 2020 पूरा का पूरा आप उठा करके देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सेकेंडरी ग्रोथ इज समथिंग जिससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। अब देखिए इस बार सैपवुड एंड हार्टवुड से आपसे पूछा हुआ था, एंटायर सैपवुड एंड हार्टवुड आप ये एक पैराग्राफ आप लोग पढ़िए, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बड़ा ही इजीली। हेलो निगम कुमारी, हेलो वंश रश्मि, कूल क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जूलॉजी का है, जूलॉजी का एक क्वेश्चन मैम, इसके
जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है उससे, और आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 11th के एनसीईआरटी लास्ट चैप्टर है हमारा 22nd चैप्टर 336 और 333 से पेज नंबर पे सेम क्वेश्चन उठा करके डाला हुआ है। इसका मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी जो है ठीक है 104 लाइंस परफेक्ट जस्ट परफेक्ट। सी इस पेज नंबर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था राइट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई तुमको मैचिंग इजी लग रही है वंश, लेकिन मैचिंग में ही बच्चा कंफ्यूज होता है बिकॉज उसमें सारे ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए होते हैं कि आप शफल नहीं कर पाते हो। नहीं सर बिल्कुल सही बात है। और मैचिंग पे मैम हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड आ गया है कि पिछले कुछ नीट के पेपर्स में मैचिंग के ऊपर क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है, मैचिंग के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए हुए हैं। और आपने देखा है गो प्रेप पे हम जो पढ़ा रहे हैं और जो हम उसमें असाइनमेंट्स और डीपीपी डाल रहे हैं, जो हम अपने उसमें क्वेश्चंस डाल रहे हैं उसमें हम मैचिंग में काफी डाल रहे हैं। बिल्कुल जो ट्रेंड है नीट का गो प्रेप उसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है। परफेक्ट सर। ये बायोटेक का क्वेश्चन है और नेक्स्ट भी इसी क्वेश्चन के बारे में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन लग रहा है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। ये आपको 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 148 और 211 जो 12th की एनसीईआरटी है उस पे आपको सेम लाइनें लिखी हुई हैं। एक बार आप खोलिए एनसीईआरटी और जरूर उसको पढ़िए। आयुष शर्मा भाई बॉटनी हो या चाहे जुआलॉजी हो एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग हमेशा पढ़ाते हैं। सिंस द डे वन मैं एंड सर हम दोनों यही चीज़ कम्युनिकेट करते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़िए। एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वो टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा, प्लस स्कोर करना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी ईजी रहेगा स्कोर। एनसीईआरटी ही पढ़ते रहिए, वही आपकी चाबी है जो आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर तक पहुंचाएगी एंड स्टेथोस्कोप आपके गले में डालेगी डेफिनेटली। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए पेज नंबर 148 एंड 211 यस इससे है, देख लीजिए। ये आपको स्क्रीनशॉट भी इसमें लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। नेक्स्ट है नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। भाई ये आपके 12th में मॉलिकुलर बेसिस वाला, सी मैं जो आपको बोल रही थी अभी जेनेटिक्स में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आना बिल्कुल बंद हो चुका है। इतने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं जेनेटिक्स से। इनफैक्ट एक स्टूडेंट भी था सर हमारा, उसको मैंने काफ़ी बार कहा कि तुम इतने डेप्थ में मैथमेटिकल क्वेश्चंस को मत सॉल्व करो, एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से। वो याद है मैम जब आपने उसको बोला था और उसने आपसे 5-7 मिनट तक बहस भी की थी, लेकिन फाइनली यही हुआ जो मैम ने कहा कि फाइनली अब वो जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे बहुत लंबे लंबे क्रॉस, उनका ट्रेंड नहीं रह गया। बिल्कुल 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 ही खत्म हो चुका है। देखिए ये मॉलिक्यूलर बेसिस का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है ये आपसे पूछा हुआ है। सिंपली देख लीजिए एनसीईआरटी में भी कहां लिखा हुआ है, एग्जैक्ट आपको लिखा हुआ है कि इनिशिएशन का स्टेप कहां से होता है, आरएनए पॉलीमरेज से, पॉलीमरेज से राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉकरोच। अच्छा कॉकरोच के बारे में एक अजीब सी बात है मैम, जब भी हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि अगर आप इसका हेड काट दो तो ये 7 दिन तक जिंदा रहता है। अच्छा पहले तो मैं भी इस बात को नहीं मानता था, लेकिन जो प्रेजेंट एनसीईआरटी है उसमें लाइन लिखी हुई है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और बिल्कुल सेम लाइन उठा करके इन्होंने एनसीईआरटी पेज नंबर 114 से 11th क्लास की जो है वो क्वेश्चन में डाल दी। ये देख लीजिए लाइन भी आप लोग देख सकते हैं, लाइन भी देख सकते हैं आप, डेफिनेटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से आपको रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सेम लाइन है आपको एनसीईआरटी पेज 271 पे 11th के अंदर दे रखी है। ये लाइन्स है आपकी एनसीईआरटी की, आप लोग देख सकते हो उसको राइट, ये डायग्राम के साथ में मेंशन है पूरा एनसीईआरटी लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ ये जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम क्रॉसेस के बारे में बता रहे हैं, ब्रीडिंग के बारे में बता रहे हैं, स्ट्रेटजीज वाला क्वेश्चन, उसमें जो जूलॉजी वाला पार्ट है उसमें जो बीकानेरी रैम्स और उसके अंदर बताया हुआ है न्यू ब्रीड हिसारडेल, हिसारडेल के बारे में मैम हमने हमेशा बोला, आपने भी बोला कई बार कि ये क्रॉस ब्रीड है जो बनाई गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाला है। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी ने लाइन दे रखी है, ये पेज नंबर 168 पे 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये लाइन है डेफिनेटली, एंड आप एनसीईआरटी की लाइन भी देख सकते हो, ये लाइन इज दिस वन हिसारडेल, इसमें इन्होंने मेंशन किया है एनसीईआरटी।
exactly. Next question, abundant protein in the animal. फिर से आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 148 11th के जो एनसीईआरटी है, एनिमल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन या जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन वो कोलेजन है, और मैम जो शायद सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन दुनिया के अंदर वो शायद रूबिस्को है, जो आप बार बार बताती हैं बच्चों को, और वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जैक्टली, तो इसका आप देख लीजिए एनसीईआरटी लाइन का, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सेम लाइन उठा करके डाली हुई है, एंड रूबिस्को भी दिया हुआ है सर नीचे. डेफिनेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जेनेटिक्स कितना सिंपल क्वेश्चन आया है आपका, जेनेटिक्स का कितना सिंपल क्वेश्चन आया, नो मैथमेटिकल, कोई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करने की जरूरत नहीं आपको, इनफैक्ट डाई हाइब्रिड से भी नहीं आता है आजकल तो क्वेश्चन, मोनो हाइब्रिड में ही निपट जाता है, बिल्कुल डाई तक भी नहीं जाता है, मोनो में ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पूछ लेंगे सर, ब्लड ग्रुप से पूछ लेंगे, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, मेंडल ने कितनी प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज को चूज किया, सिंपल सा ये आपसे पूछा हुआ था. देखिए इसमें एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है कि 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज को चूज किया था मेंडल ने. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलते हैं, अगेन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन से उठा हुआ क्वेश्चन है, ओव्यूल का जो डायग्राम आप बनाते हो उस डायग्राम में सिंपली मेंशन किया हुआ है, ये देखिए आप, वट इज फनिकल, वट इज हाइलम, वट इज इंटेगुमेंट, एग्जैक्ट मेंशन किया हुआ है, तो हाइलम इज द पॉइंट जो अटैच कर रहा है एनसीईआरटी लाइन एज इट इज. रश्मि शर्मा बोल रहे हैं, सर आई थॉट नीट इज वेरी हार्ड बट इफ एनसीईआरटी विल रीड इट प्रॉपरली देन इट इज वेरी इजी. तो शायद रश्मि शर्मा ने बिल्कुल हमारी जो बातें हैं उनको बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट में बोला है, बिल्कुल सही बोला है रश्मि आपने, कि अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो नीट क्लियर करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के बारे में आपसे पूछा हुआ था, वायरस वायरॉइड प्रियोन, तीनों ही टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वायरॉइड के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, चार स्टेटमेंट ये देखिए, वायरॉइड में एनसीईआरटी में गिनी चुनी चार पांच स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आता है हर बार, प्रियोन के बारे में भी तीन लाइन लिखी हुई है, उस तीन लाइन से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है. वंश शर्मा कह रहे हैं मैम कि 2020 में तो हद हो गई, लेकिन वंश ये पहले से भी हद होती रही थी. हाँ, 5-7 क्वेश्चन मैम शायद ये पहले बाहर से डाल देते थे, बिल्कुल, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है शायद सारे ही क्वेश्चन बायो के अंदर एज इट इज एनसीईआरटी से, एक भी क्वेश्चन इस बार बाहर से नहीं था. हाँ, बस वो बायोटेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी, एक क्वेश्चन में बायोटेक का था उसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी थी, बाकी बिल्कुल है वो भी एनसीईआरटी है, वो भी एनसीईआरटी से. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल, भाई क्रैब साइकिल वाला क्वेश्चन है ये आपका, रेस्पिरेशन से 11th की बायोलॉजी से एनसीईआरटी पेज नंबर 232, एंड एग्जैक्ट लाइंस आपकी एनसीईआरटी का आप देख सकते हो, वन टर्न ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी, इन्होंने थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं किया, अगर टू टर्न लिखते तो भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आती, बच्चों को कैलकुलेट करना पड़ता, बट वन टर्न में ही कैलकुलेट करने के लिए जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है वही आपसे पूछा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनेस रूट नोड्यूल्स वाला क्वेश्चन 11 से है आपका, लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए ये कौन सी लाइन्स आपकी एनसीईआरटी की, पूरी इक्वेशन भी है आपकी, एंड इक्वेशन के साथ में आपको लिख करके भी दिया हुआ है एनसीईआरटी ने कि क्या क्या इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, अगेन वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, डिसीजेस के बारे में हमने हमेशा बात करी है, डिसीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और ये अगर आप देखोगे तो शायद इसमें आपको दिखाया हुआ है कि एनसीईआरटी पेज 146 और 149 12th की जो एनसीईआरटी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है. और लेकिन मैम एक बात तो है कि एनसीईआरटी सिर्फ अगर बच्चा अपने आप पढ़ रहा है वो और एनसीईआरटी आप पढ़ा रही हो, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? डेफिनेटली सर, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बच्चा अपने आप एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं सकता है. एनसीईआरटी की हर एक लाइन इतनी डिस्क्रिप्टिव है, इतना कुछ उसमें दिया हुआ है कि आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, जब तक कि एक टीचर आपको अच्छे से उसको समझा नहीं देगा. बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में एनसीईआरटी दी हुई है, और उसके लिए मैं चाहूंगा बच्चों से एक बार बोलूंगा अभी कि जैसे ये गो प्रेप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें जैसे बीना मैम और बाकी के हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो एनसीईआरटी की ना लाइन जैसे मैम ने अभी कहा उसको वो डिस्क्राइब करेंगी तो उससे आपको याद रहेगा कि हाँ इस तरह से हमें एनसीईआरटी की लाइन याद रखनी. एग्जैक्टली, उस लाइन को डीकोड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप याद रख पाओगे, अदरवाइज नहीं याद रह पाएगा. तो यस, ये लाइन्स एनसीईआरटी के जहां से क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन का है सर, मिलर एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल, और ये एनसीईआरटी के 12th का जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है हमारा उसमें ये पेज नंबर 127 पे सेम लाइनें दे रखी है, ये देख लीजिए मिलर एक्सपेरिमेंट, मिलर एक्सपेरिमेंट एज इट इज लाइन्स. सच में जो ये कह रहे थे कि भूमि शर्मा भी कह रहे हैं यस सर, और आप भूमि पढ़ते रहिए एनसीईआरटी को. मैम मुझे लग रहा है कि
एनसीईआरटी को डीकोड करने के लिए शायद गो प्रेप बेस्ट प्लेटफॉर्म है? बेस्ट प्लेटफॉर्म डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो जो बच्चे 500 550 के आसपास आ रहे हैं, क्या आप उनको क्या एडवाइस करोगे कि वो गो प्रेप का हमारे जो स्टेप अप का कोर्स है उसे ज्वाइन करके, और हमारे जो टीचर्स हैं जो एनसीईआरटी को इतने अच्छे से डीकोड कर रहे हैं? बिल्कुल सर, तो 2021 के लिए वो इनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। 200% काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड एनसीईआरटी फोकस्ड ही स्टडीज होती है स्पेसिफिकली बायोलॉजी में। तो इनफैक्ट हम लोग एमसीक्यू अलर्ट्स भी देते हैं आपको एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी के, कि ये वाली लाइन से क्वेश्चन आपका आ सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन कैन कम। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मॉल बेसिस से अगेन इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि एडेनिन की पेयरिंग किससे होती है। इतना सिंपल क्वेश्चन जेनेटिक्स से आने लग रहे हैं सर। मतलब आप ये मान सकते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एक बार क्या हुआ था, मैंने एक कहानी सुनी थी कुछ दिन पहले, एक हमारे फ्रेंड बता रहे थे कि एक आदमी उतरा प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, उसने कुली से पूछा कि मुझे बाहर बस अड्डे तक छोड़ दो। कुली ने कहा 100 रुपए लगेंगे। उसने कहा 100 रुपए क्यों लेने हैं, मैं तो अपने आप ही चला जाऊंगा लेकर के। थोड़ी देर आगे चला तो वो थक गया बेचारा कुली, फिर मिला उसे, उसने कहा चल यार अब तू ले चल, फिर आप तो 200 रुपए लगेंगे। तू कह रहे 200 क्यों, इतनी दूर तो मैं चलाया। तो कुली कहते हैं कि आप चले तो हो पर आप तो उल्टी डायरेक्शन में चले हो। बिल्कुल। तो ऐसा ना हो ना कि जो बच्चा ड्रॉप कर रहा है या जो बच्चे 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसा ना हो वो इस दीवार को पुश करते जा रहे हो जो पुश ही नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से मैम आजकल जो स्मार्ट स्टडीज है, आपको किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, वो गो प्रेप आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म से ज्यादा अच्छा बता पाएगा। और मैम साथ में आपके बिल्कुल डायरेक्शनल एफर्ट्स होने चाहिए, डायरेक्शनल एफर्ट्स होने, स्मार्ट स्टडीज होनी बहुत जरूरी है। पता चला इतनी सारी आपने बुकलेट इकट्ठी कर ली और उसमें से क्या पढ़ना है आपको कुछ पता ही नहीं है। Definitely. वो पढ़ना है जो आपको एग्जाम क्लियर कराए। यस, तो ये लाइन आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी की एज इट इज, एडेनिन की पेयरिंग किससे होती है, ये सिंपली आपसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेल चैप्टर से है, ये आप देख सकते हो 11th का जो चैप्टर है, पेज 168 उसकी जो 11th की बुक है, सेम लाइन दी हुई है। और दर्शप्रीत कह रहे हैं माय फेवरेट टीचर्स, थैंक यू दर्शप्रीत सो मच। यस, दर्शप्रीत सर हमारी पेड स्टूडेंट है, 11th की बच्ची है हमारी। और हम इस बात पे दर्शप्रीत बहुत, मैं और मैम अभी आने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो 11th के बच्चे हैं मैम, उनमें से कोई बच्चा 2022 में टॉप कर जाएगा, डेफिनेटली टॉप मोस्ट रैंक लेकर के, टॉप मोस्ट रैंक लेकर के। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपसे एंजाइम्स को मैच करवाने के लिए, करेक्ट द मैचिंग, जो हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार इस बार इस पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के ऊपर थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो ये आपका 12th से है ये वाला क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, एंड ये पेज नंबर है जहां से पूछा हुआ था। इनफैक्ट बॉल लेटर्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस लाइगेजेस के फंक्शन क्या होते हैं। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं सर, एसटीडीज के बारे में एक क्वेश्चन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस पे तो क्वेश्चन आते ही है। और ये क्वेश्चन आपको देख रहे हो आप 12th की जो एनसीईआरटी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें पेज नंबर 63 पर सेम चीजें दे रखी हैं, आपको काफी चीजें दे रखी हैं। यू कैन सी ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर है जहां से क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम इवोल्यूशन, साइंटिस्ट का नाम पूछा है सिंपली, बिल्कुल, और 12th की 12th. जो evolution का टॉपिक है उसमें से आपको ये क्वेश्चन दिया तो आप देख रहे हो जेनेटिक्स के तीन ही चैप्टर है, दो बॉटनी पढ़ाते हैं, एक जूलॉजी, तो इवोल्यूशन से भी साइंटिस्ट के नाम ही आपसे पूछे हुए हैं। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है मैम अब ये एग्जाम ना धीरे धीरे हम इन बच्चों को बता सकते हैं, हमारे पास काफी बच्चे वॉचिंग है और उससे ज्यादा हमारे पास लाइक्स है। मुझे लगता है धीरे धीरे ये एग्जाम बजाय नॉलेज के स्पीड और एक्यूरेसी का एग्जाम ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो सर हम मिंटी क्विज कराते हैं ताकि बच्चों की स्पीड बढ़ जाए उसमें। हाँ, एक्यूरेसी तो चाहिए। ये जो आप गो प्रेप के साथ जुड़ रहे हो उसमें जैसा मैम ने कहा कि जो मेंटी क्विज हम कराने हैं वो इसी बात की एक एफर्ट है हमारी तरफ से कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाए। डेफिनेटली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगी पूरे पेपर का, मॉर्फोलॉजी से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन, आपकी फाइबरस रूट्स होती है, ये इसको अंडरलाइन भी किया है मैंने, फाइबरस रूट, जो रूट डायरेक्टली बेस से ओरिजिनेट होती है, दोज वंस आर योर फाइबरस रूट, 11th मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इस पर मैम बायोटेक काफी आई है। हाँ, बायोटेक से काफी क्वेश्चंस डाले गए हैं, और लेकिन मैम बहुत सारे क्वेश्चंस ना थे एनसीईआरटी से, ठीक है, जैसे आप ये क्वेश्चन भी देख रहे हो, आपको 12th के एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 8 पे लाइन मिल जाएगी।
एग्जैक्ट लाइन आप देख सकते हो इस पेज पे, एग्जैक्ट लाइन डायग्राम भी है, पूरा का पूरा अच्छे से समझा रखा है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है सर, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रफिन फॉलिकल, फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर या जो आपको 12th क्लास की थर्ड चैप्टर है ये, उसमें सेम लाइनें आपको दे रखी है, आपको एनसीईआरटी ही लाइन बाय लाइन याद रखनी है। आज हम लोगों का यहाँ आने का मेन मकसद ये है, और वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको कौन याद दिलवाएगा, वो दिलवाएगा गोप्रेप का स्टेप अप कोर्स। बिल्कुल, एंड संडे को अपने छुट्टी वाले दिन सभी टीचर्स ने इतनी एफर्ट किया है ताकि बच्चों का जो गोल है डॉक्टर बनने का, जो सपना है, उसकी तरफ डायरेक्शनल एफर्ट्स होना स्टार्ट हो जाए। तो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि भाई एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से, तो ये इसीलिए इतने एफर्ट्स आप बच्चों के लिए किए गए हैं। देखिए मैम, तुपेन कह रहे हैं कि 624 आ रहे हैं वो नीट में, इसका मतलब उन्होंने एनसीईआरटी काफी अच्छे से पढ़ रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एलिमेंट्री कैनाल से है, डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इसमें इन्होंने पेज नंबर भी लिखा हुआ था, ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपका जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें से ये डायग्राम लिया गया है, और सेम आपका ग्लैंडुलर एपिथीलियम आपको क्वेश्चन में सीधा आउट करके आ गया। डेफिनेटली, स्लो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, ये देखो आप 12th से इकोलॉजी एग्जैक्ट एग्जैक्ट लिखा हुआ है, यूवीबी रेडिएशन चैप्टर है शायद 12th का। बिल्कुल सर, इकोलॉजी से उठा लिया, बिल्कुल एनवायरमेंट वाला चैप्टर है, इसमें एग्जैक्ट लाइन स्नो ब्लाइंडनेस। रश्मि शर्मा कह रहे हैं कि गोप्रेप इज बेस्ट, मैं भी एग्री करता हूँ और मैडम भी एग्री करती हैं। डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका 11th एनसीईआरटी से है, एंड ये मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से है ये वाला क्वेश्चन। ओंकार गिरी पूछ रहा है एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ना चाहिए, जितनी बार तुम पढ़ सको उतनी बार ही पढ़ना चाहिए, जब तक तुम सैचुरेट ना हो पाओ, एक एक लाइन एक एक वर्ड तुमको अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। मैंने एक बार एक टॉपर का इंटरव्यू देखा था मैम, मतलब वन ऑफ द टॉपर्स था, उसने 72 टाइम्स बोला था। वाओ, मतलब रैंक सिंगल डिजिट में उसकी रैंक थी कुछ साल पहले, उसने कहा था कि मैंने 72 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ी। वेरी नाइस वेरी नाइस, दैट्स सो इंस्पायरिंग। 72 टाइम्स पढ़ने के बाद आप सोच लीजिए एक एक वर्ड उस बच्चे को याद हो गया होगा अच्छे से। तो बच्चे ये पेज नंबर 194 से एक क्वेश्चन था मिनरल न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट पे चलते हैं, बीटी कॉटन का सिंपली बायोटेक्नोलॉजी से अगेन क्वेश्चन था, ये आपका 12th बायोटेक्नोलॉजी, एंड पेज नंबर आप देख सकते हो ये आपका 209 पे, और ये आपका पूरा का पूरा वो पैराग्राफ है exactly, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। एग्जैक्टली पैराग्राफ में मेंशनड है। रे फ्लारेट से अगेन मैं कहूंगी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, रे फ्लारेट्स ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल। सर पहले मॉर्फोलॉजी से जो एग्जाम्पल थे बच्चों को बड़ा डर लगता था, आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आते थे, लेकिन एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी से ये देखिए एज इट इज एग्जाम्पल मेंशन है एनसीईआरटी में, तो आपको अब ज्यादा सी बॉटनी में डर लगता है बच्चों को, प्लांट्स के नाम नहीं याद होते, साइंटिफिक नेम याद नहीं होते, अब उसकी जरूरत ही नहीं बची आपको, बिकॉज एनसीईआरटी से एज इट इज पूछी जा रही है सारी चीजें। तो मुझे लग रहा है मैम ये एग्जाम ना आपको एनसीईआरटी कितनी आती है उसके ऊपर, उसका एग्जाम ज्यादा हो गया। डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनवायरमेंट इश्यूज का ये भी क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी इकोलॉजी। इकोलॉजी में ये आप देख लीजिए यहाँ पे मेंशन है पेज पे, एनसीईआरटी पेज राइट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन बायोटेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में गलत स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई थी, 12th बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चे, ये पेज नंबर 195 पे मेंशन है, यू कैन सी दिस एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट जिसके ऊपर ये मेंशन भी है राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लाज्मोडियम की स्टेज बता दो सर, इन्फेक्शन स्टेज कौन सी है बताइए मैम। ये हम पहले टाइम में पूरी की पूरी, बच्चे भी जानते होंगे अगर इन्होंने कहीं कोई पूरी की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है जो एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, और उसको पेज नंबर 147 पे एनसीईआरटी ने दे रखा। एग्जैक्टली, वंश पूछ रहा है सर कि अगर एक बच्चे का 527 आया है इस साल तो क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है मुझे लगता है दिसंबर में तो शायद फॉर्म्स ही आ जाते हैं। बिल्कुल, एक बार ये गो प्रेप के साथ जुड़ गए तो मुझे लगता है इनका जो नंबर है 200 बढ़ेंगे कम से कम, जाकर ये 700 पे पहुंचेंगे। डेफिनेटली, एंड अच्छा स्कोर भी है ये अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये है तो। म्योटिक डिविजन अगेन ओसाइट इज कम्प्लीटेड,
बिल्कुल, ये आपके पेज नंबर 49 पे 12 के एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है इन्होंने, और वहीं से उठा के उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट ये डायग्राम है एनसीईआरटी का जिसमें ये मेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये रूबिस्को एंजाइम, हाँ इस बारी फोटोसिंथेसिस से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था, अदरवाइज वही रिपीटेडली क्वेश्चन C3 C4 में डिफरेंस ही पूछा जा रहा था। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज जरूर हुए हैं, बट ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, इनमें से आपको बेस्ट ऑफ फोर चूज करना था, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ फोर। बेस्ट ऑफ फोर चूज करने से आपका आंसर एकदम करेक्ट आता इस क्वेश्चन का। देखिए आप, फोटो रेस्पिरेशन में इसमें दिया हुआ है वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट विल बी फॉर्म्ड, तो इन चारों में से द बेस्ट ऑफ फोर आंसर विल बी देयर, है एनसीईआरटी, एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही है। वंश, अगर आपके 527 नंबर है, मैं आपको, आपने जो बार बार क्वेश्चन पूछा है कि मुझे क्या करना है, आप गो प्रेप ज्वाइन कर लो, बस खत्म बात। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइलम कॉर्डेटा। यस, इसमें मैम एनसीईआरटी की जो पेज नंबर 55 है 11th की, उसके अंदर इस तरह की लाइन दे रखी है, एग्जैक्ट लाइन से है, उठा के इन्होंने डाल दिया। सी, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा दोनों में डिफरेंशिएट करते हुए बताया हुआ है आप लोगों को एनसीईआरटी ने। देन अगेन मैच द कॉलम्स, एनसीईआरटी पेज 183। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था मैच करने वाला, एंड ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी था ये वाला, एग्जैक्ट आपको सारे कंपोनेंट्स के साथ में क्लॉस्ट्रिडियम का भी दिया हुआ, ईस्ट का भी आपको दिया हुआ है, सारे के सारे कौन से कंपोनेंट कौन से केमिकल को फॉर्म करते हैं एग्जैक्टली इसमें लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। प्लांट किंगडम, भाई जो बच्चे प्लांट किंगडम मुझसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग देख लो क्वेश्चन कितना सिंपल आया हुआ है। यूनिसेलुलर एल्गी कौन से, ये तुमसे पूछा हुआ है, एनसीईआरटी लिख रही है साफ साफ, क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी एंड रिच इन प्रोटीन। यस एवरीवन, एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, फोटोसिंथेसिस का ये क्वेश्चन था जिसमें आपसे लाइट रिएक्शन में पूछा हुआ था कि प्लास्टोक्विनोन के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो सिंपली आप लोग देख लो ये लाइन को मैंने थोड़ा मेंशन भी किया हुआ है, बॉल लेटर्स में मेंशन भी किया हुआ है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। देखिए सेम आपको पेज नंबर 336 में सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। डेफिनेटली, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगेन ये बॉटनी का क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सी एज इट इज लिखा हुआ है, वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट्स, एज इट इज आपको मेंशन करा हुआ है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 333 पे, और सेम क्वेश्चन आपके मेंशन किया हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन का। डेफिनेटली, जेनेटिक्स, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मैचिंग करना है आपको डिजीज का, सिंपलेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इज योर सिकल सेल एनीमिया, तो आप लोग पेज नंबर अपने साथ साथ में मैच करते हुए चलो, लिखते हुए चलिए आप लोग। इकोलॉजी, विच वन इज नॉट एन एट्रीब्यूट, बर्थ रेट लिखा है, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एग्जैक्ट एनसीईआरटी। राइट, इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट, 129-134 पेज नंबर पे मेंशन है बच्चे, आप लोग देख लीजिए एनसीईआरटी के, यू हैव द पेज नंबर्स। यस, एनाटॉमी से क्वेश्चन था बच्चे, ये मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी के चार फीचर्स आपको दे दिए हैं, एंड ये चार फीचर्स में बेसिकली किस पे फिट बैठते हैं ये आपसे पूछा हुआ था, तो यू कैन सी मोनोकोट स्टेम में एग्जैक्ट, सी डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम में चार पांच वही लाइंस दी हुई है, एंड उसी लाइन से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। एक मिनट में पानी पी के आता हूं मैम, हाँ, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए। एक सेकंड में मैं गया और यो गया और यो आया। डेफिनेटली सर, इतने मैं बच्चों को आगे समझा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इकोलॉजी से है, जीपीपी एंड एनपीपी क्या होता है ये आपसे पूछा हुआ है। राइट, व्हाट इज जीपीपी, व्हाट इज एनपीपी, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, एंड 243 नंबर पेज से ये क्वेश्चन था। सी एग्जैक्ट आपको एनसीईआरटी में जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन इज एनपीपी हैज बीन मेंशनड। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो एज इट इज पूछ लिया था वापस से, 2016 का क्वेश्चन है, वापस से 2020 में आया हुआ था, एंड वाटर हाइकेंथ वाटर लिली में पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, वाटर वर्ड को देख करके कन्फ्यूज़ आना बिल्कुल भी नहीं है, वाटर से नहीं होगा, इंस्टेड यहाँ पे होगा विंड एंड इंसेक्ट से। वंश, हाँ जी, मोनोकोट स्टेम पढ़ाया था, डेफिनेटली आप देख सकते हो एज इट इज उस पर मैंशन एनसीईआरटी में, लास्ट लाइन है ये एनसीईआरटी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, अनएरोबिक स्लज का अगेन पेज नंबर 184, 12th का है ये क्वेश्चन, 12th से पूछा हुआ था। बोल्ड लेटर्स में से एनसीईआरटी में चैप्टर में जो तुमको बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए वर्ड्स, उसको तो डेफिनेटली तुम लोग फोकस करके पढ़ना ही पढ़ना है, उससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे आप लोगों से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाटर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, 11th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन था एंड गटेशन को थोड़ा घुमा करके इसमें पूछ लिया था, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन पे चलते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्यूबोडियल एपिथिलियम ब्रश बॉर्डर, बच्चे पेज नंबर 101, 11th एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, अगेन आप देख सकते हो बॉल लेटर्स में, आप देखना, आप खुद नोटिस करना जितने क्वेश्चन थे मैक्सिमम जो एनसीईआरटी में बॉल लेटर्स में लिखा हुआ है वहीं से ही आपको दिए हुए थे, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दीज फोर, पेज नंबर 337, 338, 11th की एनसीईआरटी से आपसे पूछा हुआ था एंड एग्जैक्ट लाइन्स है ये भी आपकी एनसीईआरटी की, एग्जैक्ट लाइन्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछी हुई थी। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, फिर आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हो कि कौन कौन सी लाइन्स है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है बच्चे, 252, 253 पेज नंबर 11th एनसीईआरटी से ये पूछा गया था आपसे एंड ये पैराग्राफ से इस क्वेश्चन को उठाया हुआ था। नेक्स्ट इज रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना, इकोलॉजी, सिंपल इकोलॉजी एंड डेटा भी यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रॉफिक लेवल पे इकोलॉजी, अगेन इकोलॉजी, इकोलॉजी का पेज नंबर आप लोग देख लीजिए, राइट, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा बच्चों को लगा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है ये, मोल बेसिस का क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेशन का स्टेप आपसे पूछा हुआ था, एनसीईआरटी साफ साफ लिख रही है, जिस भी स्टूडेंट को इसमें डाउट था इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट फेज इटसेल्फ इज अमीनो असाइलेशन, तो दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। मूविंग अहेड, स्ट्रॉबिलाई प्लांट किंगडम किसमें पाए जाते हैं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी देख सकते हो आप लोग, स्पोरोफिल्स में पाए जाते हैं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी, राइट एवरीवन। नेक्स्ट मैच द कॉलम अगेन, पेज नंबर 56 एंड 57 पे आपको ये मेंशन किया हुआ है, जूलॉजी का क्वेश्चन था मैम और ये काफी फेमस क्वेश्चन है, हम बार बार बताते रहे हैं कि मैचिंग आएगा और इस तरह से मैचिंग आएगा, ये आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 56 और 57 पे मिलेगा 11th की एनसीईआरटी के अंदर, डेफिनेटली। ये देखो एनसीईआरटी का आपको स्क्रीनशॉट भी आपको दिया हुआ है पूरा, सेल्फ का क्वेश्चन है ये, डिवाइडिंग सेल एग्जिट करती है सेल साइकिल को कौन से पेज नंबर से, इस बार ये क्वेश्चन ना मैम बड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से पूछा गया था और इस बार लेकिन इस बार बहुत सिंपल सीधा उठा करके इन्होंने एनसीईआरटी की लाइन डाल दी है, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल से जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल पेज नंबर 259 पे रहा है एंड दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है, यस पेज नंबर 67 और 12th की एनसीईआरटी है पेज नंबर 64। The plant part which consists of two generations. अच्छा इसमें थोड़ा डिफिकल्टी आपको फील हुई होगी लेकिन ये भी है एनसीईआरटी से, दो जनरेशन का मतलब ये है कि हैप्लोइड, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी दोनों में हैप्लोइड एंड डिप्लोइड दोनों प्रेजेंट होता है, तो बट दिस इज मैंशन इन एनसीईआरटी एज वेल, 22 नंबर पेज नंबर एंड 25 नंबर पेज नंबर पर ये मैंशन है। अगेन सेल साइकिल का ये क्वेश्चन था, कौन सी स्टेज होती है, मियोसिस वन ही सबसे इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल में, उसी से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते और हैं। देखिए ये भी आपको आपको पेज नंबर 168 11th की एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन उठा के डाल दिया। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सर, जूलॉजी का है। अच्छा ऑर्गन ऑफ कॉटाई, कॉकलिया, यूस्टेशियन ट्यूब, ये आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो 11th की एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 325-326 बिल्कुल लास्ट में पहुंच रहे हैं एनसीईआरटी के, राइट। ये सारे आपको दिया हुआ था, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर, अगेन एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी के इस बार डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठाए हुए थे। अच्छा, पहले बहुत डरते थे ना बच्चे मॉर्फोलॉजी से, बिल्कुल एग्जाम्पल से डरते थे सर, आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल आते थे तो एग्जाम्पल वैसे याद नहीं होते बच्चों को और आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया तो और ही डबल प्रॉब्लम होगी बच्चों के लिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेसिक अमाइनो एसिड आपसे पूछा हुआ है 11th की एनसीईआरटी पेज नंबर 144 से क्वेश्चन था, ये देख लीजिए आपको पूरा पैराग्राफ सर के पीछे आपको दिख रहा होगा, ये पैराग्राफ में आपको अमाइनो एसिड भी लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे,
ये इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, ये WBCs के जो टाइप्स आपको दिए हुए हैं, ये आपको 11th की एनसीईआरटी जो है उसमें पेज नंबर 279 पे सेम लाइनें दे रखी हैं। ये देखिए एग्जैक्ट बॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, बॉल लेटर्स में, मतलब हम इतनी देर से जो बोले जा रहे हैं वो सिर्फ यही बोले जा रहे हैं मैम कि जो एनसीईआरटी है वो ही इनकी की है जो इनको मौलाना आजाद के और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एंट्री दिलाएगी। डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देख लीजिए, पेज नंबर 146 से है, 11th की एनसीईआरटी से, एंड दिस इज द एनसीईआरटी पेज जहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेल डिवीजन, अगेन सेल डिवीजन वाला क्वेश्चन बच्चे, एनसीईआरटी का पेज नंबर आप लोग देख लीजिए, पेज नंबर 163, 11th की एनसीईआरटी से मेंशन है, राइट। नेक्स्ट आपका प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटरी से क्वेश्चन था, 11th की एनसीईआरटी ऑब्वियसली, 249 पेज नंबर, एंड यस ये इसका स्क्रीनशॉट है जो आप देख सकते हो। जेनेटिक्स देख लो तुम, कितने सिंपल क्वेश्चन आए हैं जेनेटिक्स से, ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ लिया हर साल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ब्लड ग्रुप, इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं रहे सर। मैम कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो पूरे साल जेनेटिक्स ही पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, तो बताइए उन बच्चों का क्या हो, भविष्य बहुत ही खतरे में है सर उन बच्चों का। जेनेटिक्स 7 लाइक्स आ गए हैं, 150 कर देंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। जेनेटिक्स काफी इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में, मजा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, लेकिन आपको तो डॉक्टर बनना है तो उस पर आप क्वेश्चन पे फोकस करो, कितने क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिक्स से इतना डिफिकल्ट मैथमेटिकल क्वेश्चंस आना बंद हो चुके हैं, प्योर एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चंस, आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईयर पूछ लिया, कब कब मेंडल ने काम किया था, ये सब पूछ लिया आपसे, कौन से कैरेक्टर्स थे ये सब पूछ लिया आपसे। और वंश शर्मा ने मैम काफी तारीफ कर रखी है हम लोग, आई गॉट सो मच हेल्प फ्रॉम यू ऑल गो प्रेप टीम, आई गॉट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, थैंक यू वंश। तो ब्लड ग्रुप से बच्चे देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है। नेक्स्ट आपका इम्यूनिटी के लिए पेज नंबर 152, 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बच्चे, ये एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, सर के पीछे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल मैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपको डाइजेशन का क्वेश्चन है जो आपको 11th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 262 के ऊपर मिल जाएगा। मंजुला राय का डोंट वरी, पीडीएफ शेयर हो जाएगा आपके पास में, पीडीएफ मिल जाएगा सारे बच्चों को, 150 लाइक कर दो फ्री मिलेगा पीडीएफ सर, फ्री मिलेगा फिर पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बायोटेक का क्वेश्चन है, आपको 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 196 के ऊपर मिल जाएगा, बिल्कुल सीक्वेंस पूछी हुई थी। ओमकार बिल्कुल सही कह रहा हूं, एम्स में मिलेगा अगर आपने 75 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ा है, दिल्ली मिल जाएगा भाई। अब एम्स का पेपर तो स्क्रैप हो चुका है ना, नीट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा तुम्हारा, 4 लाइक्स और रह गए हैं 150। सर मानेंगे नहीं, सर 150 लाइक लेकर 150 लाइक लेने से पहले मैं केमिस्ट्री वालों को माइक हैंडओवर करूंगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन मैच द फॉलोइंग था बच्चे, पेज नंबर 209, 211, 212 से कुछ कुछ कंटेंट उठा करके मैच द फॉलोइंग आपसे दिया हुआ था, ये बीटी उसका बायोटेक का क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, पूरा पूरा हमने इसमें डाल दिया। हां जी बिल्कुल, इसी तरह से ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, ये रेड एल्गी से आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन, पेज नंबर 33, 11th प्लांट किंगडम है, देख लीजिए एज इट इज मेंशनड है। लाइन देखिए मैम, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर, लाइन एज इट इज, लाइन उठा करके डाली हुई है, लाइन डाली हुई है। और बच्चे मेरा और मैम का हमेशा से कहना मानते रहे, मैंने 150 बोला था, 153 पे पहुंच गए, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, मतलब मैं ये कहूंगा कि अब इन सबके नंबर 700 आएंगे अगले। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, एंड पेज नंबर 211 ऑफ एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, राइट ये देखिए एज इट इज मेंशन है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मैम, ये पेज 131 एनसीईआरटी पेज नंबर 131 से क्वेश्चन है, डेफिनेटली। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मैनमेड एक्शन, अगेन इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, मैनमेड एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक, मैनमेड एक्शन, पेज नंबर 132 और 133 पे ये लाइनें लिख रखी हैं, एग्जैक्ट लाइंस मेंशन करी हुई एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी में भी वैभव टेलर पूछ रहा है सर टीचर कोई रेफरेंस बुक बता दो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा अगर सर एनसीईआरटी, अगर उसके अलावा आप पढ़ते पढ़ते आप एनसीईआरटी को थक गए हो तो फिर से आप एनसीईआरटी, बिल्कुल सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में था, बिल्कुल बिल्कुल, आपको 273 और 274 पर सेम लाइनें मिल जाएंगी लिखी हुई,
11th की एनसीईआरटी के अंदर, आप उसे खोल करके देखिए, आपको लाइनें मिल जाएंगी. यस, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, अगेन एग्जैक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, अगेन लाइंस ऑफ, मुझे लगता है वहां पे एक डायग्राम भी बना रखा है. हाँ जी बिल्कुल, दो डायग्राम बनाए हुए हैं, दोनों ग्रोथ के डायग्राम बनाए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है? 261 12th एनसीईआरटी से क्वेश्चन था बच्चे, देख लीजिए, आपको एज इट इज मेंशन भी है, स्पीसीज के नंबर भी आपको मेंशन है. लाइन आई है मैम, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेज़नियन रेनफॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन द अर्थ. और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और गोप्रेप के साथ जुड़े रहिए. डेफिनेटली, एंड इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया आपको सब कुछ समझ में आएगा. एनसीईआरटी में अभी भी हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नए वर्ड, नई लाइन ऐसे मिल ही जाती हैं जो हमको लगता है कि ये भी इसका एक अलग डायमेंशन हो सकता है. जैसा मैम ने कहा था कि उसे डिकोड करना बड़ा मुश्किल है, और मैम ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है कि शायद एनसीईआरटी को चारों सब्जेक्ट्स के, तीनों सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी को, चारों सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी को डिकोड सबसे अच्छे गोप्रेप के टीचर करते हैं. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बायोटेक्नोलॉजी का ये बच्चे, और ये क्वेश्चन है आपका बायोटेक्नोलॉजी का, एनसीईआरटी का पेज नंबर आपको मेंशन करा हुआ है, और मैच दी कॉलम्स. इसमें फिर से आपको 12th का जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो आपको इस पेज नंबर पर ये लाइनें मिलेंगी. हाँ, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको कोई और वीडियो कोई और आदमी डाल दे कि ये आंसर गलत है और वो आंसर गलत है, लेकिन हमने जो बताया है वो आंसर बिल्कुल सही है. अब मैं केमिस्ट्री के टीचर्स को इनवाइट करता हूँ, प्लीज आप गो प्रेप पे विश्वास रखिए, किसी भी और आदमी के टीचर का वीडियो मत देखिए. मैं अब इनवाइट करता हूँ केमिस्ट्री की टीम को, वो आकर के आपके वो बताएंगी कि किस तरह से जो नीट का पेपर था वो भी एनसीईआरटी से ही था. थैंक यू सो मच. एक मिनट, जाने से पहले मैं वैभव टेलर का ये बच्चे का डाउट है कि एग्जांपल्स मुझको याद नहीं रहते, तो भाई वैभव सिंपल सी बात है, तुमको अगर एग्जांपल नहीं याद रहते हैं तो तुम एक चिट शीट्स बना लो, छोटी वाली शीट्स, जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो पूरा टॉपिक पढ़ा, एक छोटी शीट उस पर मेंशन कर दी, सारे एग्जांपल्स तुम वहाँ पे लिख दो. अगर तुमको पता है कि कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम अगर पता है सोल्यूशन मिल जाएगा, जब प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सोल्यूशन कभी भी नहीं मिल पाएगा. राइट, इसी के साथ में हम इन्वाइट करते हैं स्वाति मैम एंड मृत्युंजय सर. सर प्लीज़ वेलकम. वेलकम. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग? और अभी आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट को डिस्कस किया, बोटनी और जूलॉजी को, और अब हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी का वेटेज कितना ज़्यादा है आपके एग्जामिनेशन में और आपके ड्रीम कॉलेज को दिलाने में. मैम, हेलो एवरीवन, और आई थिंक सर एनटीए की आंसर की आ गई है, तो सभी का पेपर अभी मार्क्स भी टोटल कर लिए होंगे सभी ने. तो आज का डिस्कशन हमारा ये है मेन के एनसीईआरटी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में तो एग्जाम्पल आपका दिया, एग्जाम्पल 1.7 करके और, सीधा का सीधा एनसीईआरटी. ज्यादा समय नहीं लेंगे मैम, जैसे पिछले साल भी हमने एनालाइज किया था तो ऑलमोस्ट 86% पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी से. ऑफकोर्स केमिस्ट्री थोड़ा सा न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो कुछ बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, बट इस बार और भी ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आया है. तो हर बार एनसीईआरटी बहुत मायने रखता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक. यस ऑफकोर्स फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि कुछ कॉन्सेप्ट आपके और बेहतर हो. तो देखते हैं मैम इस बार कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपको केमिस्ट्री में क्या होता है कि रेफर तो करना है एनसीईआरटी को, बट लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जैसे ऑर्गेनिक फिजिकल, ये बहुत प्रैक्टिस की चीज है. लेकिन पेपर आपका डायरेक्टली जो आया है इस बार का 90% पेपर, 90-95% पेपर आपका एनसीईआरटी से एज इट इज आया. कई बच्चे कह रहे हैं फार्मूला नहीं याद रहता. बच्चों फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है. मैं हमेशा बोलता हूँ साइंस फार्मूले के साथ खत्म हो जाता है, साइंस उसके पीछे होता है. तो अपने इस पैशन को क्रिएट कर रखिए और उसको पढ़िए, और साथ ही साथ और एंड मेन चीज ये होती है कि जिस जैसे आपको फार्मूला याद नहीं होता, आई थिंक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कम कर रहे हो अगर तभी आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, तो जब आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा. हाँ, प्रैक्टिस तो हम बढ़ते समय नहीं लेते हैं मैम. हाँ, और ज़्यादा ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी एनटीए को देख चुका है, एनालिसिस देख चुके हैं, तो बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्ट बाय मॉलिक्यूल्स का था और इसको आप देख सकते हैं. ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से डायग्राम, डायरेक्ट एनसीईआरटी से डायग्राम में यहाँ पे मेंशन भी है, इट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड
उसको मार्क करना है, पेज मार्क लगाना है, आप बहुत अच्छा करेंगे. एनालिसिस करना है, ये नहीं कि सिर्फ उसे पढ़ना है. जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलूं, समय काफी कम लेंगे. ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड्स में आप मैकेनिज्म्स पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. सो सर मैं आप इनको एनसीईआरटी दिखाते हैं पहले. तो एनसीईआरटी में देखो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ये आपके पास एल्कीन गिवन है, कौन सा एलिमिनेशन करता है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है. तो डायरेक्ट आंसर. और मैम नीट वाले बच्चों का बॉटनी जूलॉजी फेवरेट ही रहता है, तो एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री अगर अच्छा हो जाए तो और बेहतर है. तो केमिस्ट्री जैसा टॉपिक भी यहाँ से आप डायरेक्ट कवर कर सकते हैं, बट एनालिटिकल स्किल अच्छा रखना चाहिए. ओके, समय कम दे लेते हैं. सो वंस अगेन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, यू कैन फाइंड इट इन डायरेक्टली इन द एनसीईआरटी इन दिस पेज. पूरा फैराडे का एक्सप्लेनेशन है, 85 to 86 पेज नंबर. फैराडे एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, वैल्यूज चेंज किए हुए, लेकिन समझाया हुआ है स्लाइटली मॉडिफाइड. ठीक है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो इतना हमारे लिए मायने नहीं रखता, आप बहुत इजी वे में कवर कर सकते हैं. वंस अगेन, इससे क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट एंड डायरेक्टली. डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला था. Yes. आपको सिर्फ आधा कैलकुलेट भी नहीं करना था. सबसे अच्छी बात है कि जो आपका टाइम जाता ना कैलकुलेशन में, वो भी नहीं गया. Yes. आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके टिक करना था. और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक से, बट ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी का है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनएसएलएनएस ब्लॉक. वहां पे ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको मैं इजी नहीं कहूंगा. और ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि एनएससीएल से ज्यादा सोलेबल एमजीसीएल2 और सीएससीएल2 होता है, इसे लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, बट ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से था. और ये क्वेश्चन सिलेक्शन करवा सकता है, क्योंकि कई बच्चों का गलत हुआ होगा. ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है. हाँ. सीधा आपको सारा डाटा गिवन है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने की, वैल्यू पुट करना और कैलकुलेट करना है. ओके बच्चों, सेशन लाइक करते चलिएगा. ओके, इससे हमें आपके लिए और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है. ओके, अब केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली वही है, थोड़ा मॉडिफिकेशन तो हो सकता है, स्लाइटली मॉडिफाइड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी है, बट अगर आपका इतना अच्छा साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इजी रिएक्शन था. लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यस, डायरेक्टली बेस्ट. तो ये आप डायरेक्टली हाँ, कर सकते हो डायरेक्टली, एक दो मोल से एक मोल बन रहा है. मैम क्या बोलूं इस क्वेश्चन को, डायरेक्टली एनसीईआरटी. हाँ, ये तो पूरा हाँ, वो लिया हुआ है. देखो एनसीईआरटी में आपको ये मेंशन है पूरा सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो सीधा डायरेक्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन. और दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम बोर मैग्नेटोन, ये क्या बोलो, डीप कोऑर्डिनेशन कितनी जगह पढ़ते हैं. अब कोई कहेगा ये डायरेक्ट एनसीईआरटी है, सिर्फ वैल्यू पुट करना था और ये फार्मूला. मुझे नहीं लगता कि कोई लाइफ में गलती कर सकता है. ठीक है, यस, डायरेक्टली आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट. वंस अगेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट. केमिकल बॉन्डिंग जिस चैप्टर का कह लो, एस ब्लॉक जिस पी ब्लॉक, ठीक है, बट आपको बहुत इजी वे में आता है डायपोल मोमेंट. इवन ये फिजिक्स भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं रिजल्टेंट, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था. और इस तरह के एग्जांपल्स आप डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में. हाँ, ये क्वेश्चन मैम लोगों को लग रहा होगा कि कितना टफ है, बट एस ब्लॉक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके लास्ट में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस दिया हुआ है. सर अगली स्लाइड पे हम हाँ, लेके भी बिल्कुल ये देखिए डायरेक्टली एनसीईआरटी से दिया हुआ डायरेक्टली. और पिछले साल भी एक क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से आया है, मुझे अच्छी तरह से याद है. ओके, सो डायरेक्टली पोटेशियम आयन मेंशन है. यस, और ये एल्कीन ओजोनोलिसिस का आपकी रिएक्शन है. वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का, लेकिन सर ये अगली स्लाइड अगर हम दिखाएं बच्चों को. सो बेटा ये स्लाइड आप देख सकते हो, ओजोनोलिसिस आपको दिया है किस तरीके से क्या प्रोडक्ट बनता है. सो आपको इसमें सिर्फ ये बताना था कि किससे मीथेनॉल है, तो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि सीधा का सीधा एग्जाम्पल उसी का आ गया जो एनसीईआरटी का था, लेकिन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. ओजोनोलिसिस एनसीईआरटी में टॉपिक गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इनिशियल कंसेंट्रेशन, फाइनल कंसेंट्रेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट. तो हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री तो ऐसा होगा बच्चों, थोड़ा एप्लीकेशन वाइज है ये, फिजिक्स थोड़ा अप्लाइड फिजिक्स है एक्चुअली, तो यहाँ तो ऐसा होगा. ओके, वंस अगेन एक आसान सा सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हाँ, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है. आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई, उसका हाइड्रोलिसिस करा, सो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये पूछा था. तो इससे इसी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का कुछ नहीं हो सकता, और बिल्कुल एनसीईआरटी. वंस अगेन डायरेक्टली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो यहाँ देखिए
डायरेक्ट लिखा हुआ है। स्टार्टिंग का पॉलीमर्स पढ़ोगे, स्टार्टिंग के पेज रिएक्शन क्लासिफिकेशन में नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, वो सब मेंशन है, तो वहीं पर ये सीधा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पी ब्लॉक से, कार्बन मोनो कार्बन एंड इस फैमिली ग्रुप 14 से डायरेक्ट क्वेश्चन ये लिया गया है। आप इसको एनसीईआरटी में इन चीजों को देख सकते हैं। और ZSM 5 जो है, ये जो क्या आपका जो जियोलाइट है, पी ब्लॉक के आखिरी पैराग्राफ है ये। मैं बच्चों को कितनी बार इसको पढ़ने के लिए बोला हूँ और डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ चुका है। यस, फ्री एक्सपेंशन का जो क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी थर्मोडायनामिक्स देखते हो तो उसके अंदर यहाँ ऐसे एक हेडिंग है, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो सीधा दिया हुआ है इससे और आपको रिलेशन बताना। वैभव टेलर, मैं आपको, आपका नाम बहुत अच्छा है टेलर सीरीज की तरह, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन से रेफरेंस बुक है, पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वंस अगेन क्या बोलूं, नीट में ना जाने कितनी बार आ चुका है, एनसीईआरटी में इस तरह के सारे ऑक्सो एसिड के, अनडिराइव्ड ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। हम जब पढ़ाते हैं तो हम बोलते भी हैं कि ऑक्सीजन फैमिली में या नाइट्रोजन फैमिली में स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सीधा ये रिएक्शन दी है और आपसे बीच वाला कंपाउंड पूछा था कि बीच वाला क्या है। बट मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं, एनालिटिक्स अपना बहुत अच्छा रखना है। मैथ सिर्फ ये नहीं होता कि क्वेश्चन के आंसर बनाना, दिए गए वैल्यू को लिंक करके उससे मतलब निकालना इज द मैथमेटिक्स। ओके, तो इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यस, वन सेकेंड, इसमें क्या बोले, नंबर ऑफ प्रोटोन न्यूट्रॉन, ये भी कोई पूछता है आप जैसे बच्चों से, तो इसके बारे में तो बता भी नहीं सकता, ठीक है, ये तो मैं बोल भी नहीं सकता, फ्री के नंबर थे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट फ्रॉम डी एंड ए ब्लॉक, मैंने इसे कितनी बार पढ़ाया और कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। कोई भी टीचर पढ़ाता होगा तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा एंड बेसिक में आप देख सकते हो। हाँ, इनऑर्गेनिक पढ़ाता कौन है, ऑर्गेनिक के फिजिकल केमिस्ट्री में इस रिएक्शन को कवर कर लेते हैं। ओके, so which of following is cationic detergent? Environmental chemistry से ये surfactant वाले part से direct question है। हाँ, chemistry in everyday life है sir। हाँ, yes direct question है, और IIT भी यहाँ से आजकल बहुत question करता है, और medical में भी। तो सीधा ये direct आपको दिया है तो आपको answer करना था cationic detergent। then solution का question, freezing point, बहुत सीधा relation आपको use करना है, फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है जैसे फिजिक्स में होता है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। बिल्कुल, हाँ, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ, और सवाल को प्रैक्टिस किया है, यूटिलाइज किया अपने टाइम को, तो कर सकते हैं। ये आपने क्लास 9th से जब से आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, शायद ये पोर्शन आपने हमेशा पढ़ा होगा, और इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया और बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं इसको इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, कई लोग गलत भी किए होंगे, क्योंकि सर इसमें ये डिपेंड कि याद रखा है आपने या नहीं। यस, वंस अगेन बताओ, इसमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा वो डायरेक्टली इसका आंसर करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, यस, ठीक है, ये आपको यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का पूरा दिया हुआ है और विद एग्जांपल्स, तो अच्छा क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, निशांत क्वेश्चन अलावा बता। हाँ, वैभव टेलर, एनसीईआरटी के अलावा बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये तो मतलब क्या बोलूँ, छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक, मेटल फॉर्म बेसिक, और कुछ न्यूट्रल होते हैं, CO न्यूट्रल। आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, एक का सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ एक ही है, एलिमिनेशन से यूं ही आगे जा सकते हैं। ओके जगदीश यादव, ठीक है, कोई मुश्किल थी भी नहीं। हाँ, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। पेज नंबर भी इवन हमने मेंशन किया, सब मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर, हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल। चौधरी सर, मैं बताता हूँ बच्चों, पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखना है, ठीक है। So, मोल कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, क्लास 9th है, मैं इसके बारे में बोलूंगा भी नहीं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को अगर कोई पूछे कि कहाँ एनसीईआरटी से, तो फिर बुरा बात है, ये तो क्लास 9th की एनसीईआरटी में दिखाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ये क्वेश्चन शायद रिपीट सेम हो गया, उसी का सॉल्यूशन दिया है। अच्छा अच्छा, वंस अगेन बाय नेम रिएक्शन, मैम, रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ये तो बहुत कॉमन रिएक्शन है, और क्रॉस एल्डोल इसका आंसर है आपका, और क्रॉस एल्डोल का पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है, और डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आया। देन द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ऑर्गेनिक जनरल मैकेनिज्म। 11th का जो आपका पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर केमिस्ट्री, वहां पर सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल दिया है, और ये इस तरीके से दिखाया भी है, टर्शियरी ब्यूटाइल सिस्टम का मेंशन भी किया है, तो ये तो ये भी डायरेक्ट आंसर है। अच्छा, साई बोल रहा है दिखाओ 9th क्लास के, ठीक है, एक दिन वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट ये भी एनसीईआरटी डायरेक्ट है, मैंने इसे देखा था एक्चुअली, ठीक है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और मेडिकल के बच्चे अक्सर जानते हैं हीमोग्लोबिन के साथ इसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ये देखिए, ना जाने कितनी बार ये मेडिकल IIT हर जगह एक क्वेश्चन आ चुका है ये सेम लैंग्वेज। ओके,
सो विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड? तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है और आपको बोलते भी हैं और सर, बायो में भी सर मेडिकल वाले बच्चे हैं, क्यों बता रहे हैं, वो हमें पर पढ़ा देंगे इसके बारे में. ओके तो ये रहा, ठीक है, तो कितना आसान सा क्वेश्चन है. ओके चलिए, एनसीईआरटी ये, हाँ ये एनसीईआरटी में है, डी ब्लॉक पी ब्लॉक में है, सॉरी. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है, जब अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है डीप ब्लू कलर बनाता है, और ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है. इवन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका सेप भी पूछा जा चुका है कई बार आईआईटी में, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, हाँ इवन आईआईटी में भी आ चुका है, ठीक है. तो बहुत आसान सा सवाल है इसका. चलिए ये देखिए एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है. Once again, a mixture of N2 and argon is in a cylinder contains total pressure of mixture is this. I think solution ka ye solid states of matter mein bhi hai question. Madam Dalton partial pressure. Partial pressure. Haan. To states of matter mein sabse pehle padhta hai bacha. Haan. Partial pressure ka to relation seedha diya hai NCERT mein. Haan. Aur isko aap use karke. Kahi haan Dalton partial pressure law. Kahi bachcho ko lagta hai ki Dalton ne pehle atomic theory di thi. Aisa nahi tha. Wo bachpan se meteorologist the. Shayad main word galat sorry. Meteorologist. Haan. Wo gases ke bare mein unko bahut idea tha. Isliye unki ye pehli theory thi. Atomic theory unhone baad में दिया था. सो वी विल डिस्कस द साइंस काइंड ऑफ थिंग. ब्लिस्टर कॉपर, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में आता है ये. वेफर फेज रिफाइनिंग, पीग आयरन, ये अच्छा सवाल था. पीग आयरन, रॉट आयरन, सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट इसमें खूबसूरती क्या थी इस क्वेश्चन की, चार पॉइंट को चार अलग अलग पैराग्राफ से उठा लिया, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इसका ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से, नथिंग न्यू. ब्लिस्टर कॉपर में SO2 से निकलता है, बट आपको ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है. चलिए सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज. सर इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलना चाहूंगी, ये क्वेश्चन बेटा एज इट इज आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो थोड़ा हम आगे करते हैं स्लाइड को और आगे अगर आपको दिखाएं तो बेटा ये इस तरीके से क्वेश्चन देखो पूरा एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन दिया है. बस ये डिफरेंस है कि इसमें पूरा सॉल्व किया हुआ है और आपसे सिर्फ वैल्यूज पूछी है. सो इट इज डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आप कह सकते हो हर चीज सिमिलर है, वैल्यू हाँ. तक सिमिलर है. आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो मैं क्या ही बोलूँ आपको. आपने कितनी बार इसको पढ़ा है, एमओटी केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं. सर ये हेडिंग हाँ. डाल के भी है, HE2 इज नॉट स्टेबल. अगर आप सर अगली स्लाइड दिखाइए, देखो HE मॉलिक्यूल के बारे में हेडिंग के साथ दिया हुआ है. हाँ देखो कई लोग आपको कहते रहेंगे कि ये बुक पढ़ो वो पढ़ो, ठीक है, बट पढ़ाई वो पढ़ो जो आपको एम्स क्लियर करवाए, नीट क्लियर करवाए. हम रिसर्च में नहीं लगेंगे. अगर मैं अपनी नॉलेज दिखाना स्टार्ट कर दिया कोई भी इंसान, तो दिखाएगा कि 97 में लैब में ही बन चुका है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है. इट हार्डली मैटर कि मैं क्या जानता हूं, मायने वो रखता है कि आपकी किस पढ़ाई से आंसर आता है और किस पढ़ाई से आपका नीट क्लियर होता है. बिल्कुल जो एक कॉम्पिटिटिव तैयारी होती है उसका तैयारी करने का तरीका ही बहुत बिल्कुल बहुत बी स्पेसिफिक होना पड़ेगा. हमको रिसर्च करने यहां नहीं आए हैं, ठीक है, इट्स ओके. और बट हाँ पैशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि साइंस को आपको दिल लगे. सो एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड्स टू चेंज. क्वेश्चन में सर हमने यहाँ पर जब सेशन किया था तो इसका आंसर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताया था, लेकिन मैंने देखा कमेंट्स में बहुत बच्चों ने इसका आंसर कहा कि नहीं मैम आपने गलत बता दिया है, हीट ऑफ रिएक्शन इज द राइट आंसर. लेकिन आज NTA ने भी इसका आंसर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही दिया है. हाँ और थोड़ा सा ये डायरेक्ट तो नहीं कह सकते बट थोड़ा सोचना था. हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन. व्हिच ऑफ फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड बाय उर्ज रिएक्शन. तो क्या तो ये रहा. हाँ कि वुड रिएक्शन में आप जितने भी सिमेट्रिकल है वो प्रिपेयर कर सकते हो, अनसिमेट्रिकल प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था. कार्बाइल अमीन टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स. और अगेन आपको पता है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है डायरेक्ट पढ़ा है 1 डिग्री अमीन. सो ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 1 डिग्री अमीन पहचाना था. कार्बाइल अमीन रिएक्शन दिया हुआ है और सीधा आप आंसर कर सकते हो. तो एक लास्ट मोमेंट पे भी ढंग से NCERT की रीडिंग ली होगी तो अच्छा स्कोर कर लिया होगा केमिस्ट्री में. डायरेक्ट मतलब हाँ, सर, क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाया है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वहाँ H2SO4 के लिए स्पेशली हेडिंग है. हाँ. मतलब जो एग्जांपल जो दिया हुआ है वो H2SO4 का और उसी से क्वेश्चन है. ये देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ कैथोड एनोड पे कौन जा रहा है. इसीलिए केमिस्ट्री क्या है ये अप्लाइड फिजिक्स के तौर पे आप कह सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ेगी. बट हाँ कॉन्सेप्ट NCERT के बाहर के नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी. चलिए नेक्स्ट
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या है? हाँ, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन. और बच्चों की तो मतलब खुशी आ गई होगी क्वेश्चन को देखकर. मतलब ये एज इट इज दिया है और देखो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर और बहुत आसान है रिडॉक्स का ये क्वेश्चन. हाँ बच्चों प्लीज सेशन को लाइक करते चलिए. हाँ, क्योंकि रिडॉक्स में बहुत टफ क्वेश्चन भी बन जाते हैं. एनी सोल ऑन क्लीवेज विद एच आई गिव्स, ये भी एनसीईआरटी में दिया है सर. क्या बात है, सीधा गिवन है. लास्ट में कुछ पढ़ने के तरीके पे बात कर लेंगे, पहले क्वेश्चन को हम लोग वाइंड अप कर लेते हैं. तो आज आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा. मेजरिंग जेटा पोटेंशियल, जो इस बार का एग्जांपल पेपर देंगे 2021 हाँ. का, तो उन लोगों के लिए भी एक ये अच्छी गाइडेंस हो जाएगी कि आपको आगे एनसीईआरटी को भी साथ रखना है. तो भी साथ रखना है, इसका मतलब कुछ और चीजें भी हमें आपको बतानी है कि क्या पढ़ना है. डायरेक्ट एनसीईआरटी जेटा पोटेंशियल मैम, ये कॉमर्शियली भी बहुत इस्तेमाल होता है, बट मुझे अभी अपना स्पेशलिटी नहीं दिखाना, पढ़ाई वही पढ़ना जिससे नीट क्लियर हो. ठीक है, और ऐसे लोगों से चले. डायरेक्ट क्वेश्चन था, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ. हाँ, तो ये सर ये भी एनसीईआरटी में सीधा दिया है. हाँ. दो तरीके से आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है. ऑर्गेनिक में सर ये नहीं, ये हमारा मेटलर्जिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में भी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में. यस, तो हाँ. जहाँ हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं वहां हाँ. पर ये क्वेश्चन दिया हाँ. जल डाल एंड हाँ, क्वांटिटेटिव ये हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो 362 पेज नंबर क्लास 11th की बुक है. हाँ, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. अगर इसमें सबको नहीं भी पता था, मैंने कितनी बार इसी चैनल पे पढ़ाया है कि बाइकार्बोनेट से टेम्पोररी हार्डनेस होता है, तो बी का वन, वी का वन सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है. तो आप बड़ा स्मार्टली इससे ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. तो ऑलवेज अपना एनालिटिक्स बहुत स्ट्रांग रखिए. ठीक है, सिर्फ ये नीट वालों ने ऑप्शन बनाने में अच्छा नहीं काम किया. ठीक है, ये गलती कर गए. मैं ये एक चीज मेरे को आता था और मैंने आंसर कर दिया. ठीक है, तो इसीलिए बहुत सावधानी से क्वेश्चन को बनाया कीजिए. और ये डायरेक्टली हाँ एग्जाम्पल्स कहाँ से लिया है पूरा. हाँ, तो आई थिंक सर हाँ हम लोगों ने सारा कर लिया. तो बच्चों कई लोग बच्चों सेशन को प्लीज़ लाइक करते चलिए और गो प्रेप से जुड़े रहें. ठीक है, केमिस्ट्री में लास्ट लाइन बता रहा हूँ. देखो बच्चा, आपके जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है वहाँ तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा. केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी इसलिए नहीं है सिर्फ कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं. केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सब्जेक्ट है. किसी का आईक्यू बहुत तेज होने से इंडस्ट्री में क्या होता है कोई लिख नहीं सकता. तो जो डेटा दिया जाता है बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है. तो अब आप जेडली और पीटर एटकिंस तो नहीं पढ़ोगे, तो इससे अच्छा है कि जो भारत सरकार ने जो डेटा दिया है मुझे उसे मानना पड़ेगा. मैथ कोई अपने आईक्यू पे लिख सकता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल आईक्यू पे बना सकता है, बट इंडस्ट्री में क्या होता है वो आईक्यू पे नहीं चलता है. बल्कि एम्स में रैंक 1 आ जाए चाहे आईटी में 1 आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. पर एक बच्चा लिखा है टी 2020 के लिए 21 के लिए एनसीईआरटी इनफ है क्या? तो बेटा देखो, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट बट मैं ये नहीं कहूंगी इनफ है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक ऐसी चीज है जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए. yes. और एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं. हाँ. तो एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी हाँ. है लेकिन इनफ नहीं. बट इतना जरूर कहूंगा फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए गए कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं है. हाँ, ये जरूर कहूंगा. हाँ, प्रैक्टिस करनी है आपको कुछ क्वेश्चंस की, बट कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ही है इस्तेमाल करना है. और न्यूमेरिकल में बच्चों आप फिजिक्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सो आपको पता है कि साइंस प्रैक्टिस से ही आता है. ओके, सो बच्चों रेफरेंस फिजिकल केमिस्ट्री में आप नरेंद्र अवस्थी को फॉलो कर सकते हैं, नीट जो नीट के लिए आता है. आप जहाँ भी पढ़ते हैं मॉड्यूल ले सकते हैं, हमारा जो गोप्रेप का मॉड्यूल है. हाँ, अच्छा, स्टेप अप नीट में अगर आप आते हैं तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ कंबाइन करके हमने स्टेप अप नीट के लिए जो मॉड्यूल लिखा है वो बना हुआ है. ओके, तो हमारा गाइडेंस स्टेप अप नीट एनसीईआरटी ये सब कुछ है. ओके, चलिए, क्या नीट इंपॉर्टेंट है? नीट क्या बोल रहे हैं समझा नहीं. ओके बच्चों, आई होप आपको इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ने का तरीका मिलेगा और आप अपने लाइफ में और अच्छा करेंगे और आपके ड्रीम कॉलेज जाने में आपको मदद मिलेगी. सो थैंक यू सो मच. हाँ, तो मिलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, और मिलते हैं स्टेप अप नीट के क्लास में. और सो ग्रेड अप के साथ जुड़े रहें, गोप्रेप के साथ जुड़े रहें और अपने एग्जाम और लाइफ में अच्छा करते रहें. बाय.